पुली चंद्रमा मनसो जातजोजात श्रोत्रद्वायस प्राणस मुखादग्निरजात ओं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरत्ज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि पुली भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं धाने विश्वोद्गते गणमीश्वरम् तस्मै नमो विघ्नाशनाय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा स्वावस्थाङ्गतो विवः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षपुरातो पुण्डरीकाक्षपुरातो पुण्डरीकाक्षपुरातो। ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। या श्री स्वयं जगत नाम भवने सुलक्ष्मी पापा तुम नाम कर दयाम हृदय सबोति श्रद्धा सताम कुल जन प्रवश लज्जा ताम तान ताश पवर पाल देवी विश्व श्री विष्णु प्रियाय नमः। तुलसीय नमः। सर्वोचरार्थे गंधा पुष्पाणि समर्व्यामि यम प्रवजन्तो मनपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विरहगातर्या जुहाव पुत्रे तितनमय दया तरवो विनेदु तम सर्वभूतर्दयम् मुनिमान तोष्मि। भगवती श्री सुभाय नमः। व्यासराय नमः। ज्ञानगम्याय नमः। ध्यायन्ति ध्यानमक्षं पुष्पं समर्व्यामहे सर्वोचरार्थे गन्धिदाकपुष्पाणि समर्व्यामहे माल्यादीन सुवन्धने मालत्यादीन वै प्रभो मया याणि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्राहयतां वः। भगवती श्री व्यासराय नमः। पुष्पालां समर्व्यामहे नैवेद्यं नैवेद्यान्ते समर्व्यामहे पुनर्जलाचमर्यं समर्व्यामहे। अथ श्रीमद्भागवत भोजनम् श्रीमद्भागवताक्षयम् प्रत्यक्ष कृष्णैव हि स्वयंकृतोऽशिवयानाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायन्ति ध्यानमक्षं पुष्पं समर्प्यामि। ॐ अग्रस्वामन्दस्वां प्रज्वलति त्वामोपदेशो मो राजा विद्वान् इक्ष्वाकुमुच्चदः गन्धाकपुष्पाणि समर्प्यामि। पुष्पमालां समर्प्यामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगों देशोद्योषमवर्धत पद्भ्याम् ॐ तेजः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नः नैवेद्यं नैवेद्यान्ते समर्प्यामि। पुनर्जलाचमर्यं समर्प्यामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिय कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रतासुतं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। नमस्करोमि अत व्यासभोजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरे अभालोचन सम्भुर्भगवान् वादरायण श्रीमदे सर्वविद्यानां प्रभुवायसो ब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारिकाय नमो नमः। निम्बारिकाय नमो नमः। ॐ मेधागुमाभिः व्रजलनं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं जसहि आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यवयजत् अग्निः प्रजं बहुलं मे करो त्वं पयोरेतो अश्वासुदत्तः ज्वालामालिन व्रतनेश्वरे नमः। सर्वोचरार्थे गन्धा पुष्पाणि समर्प्यामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से।
पुष्पांजलि हरि ओम जजने न यज्ञमय जन्त देवास ताने धर्माणि व्रतवान्यजन तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुवदनै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया श्रीवन्दकामकुलजं भगपाटलाब्जै पुण्णाग्जातिगरवेदरसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मद्पुष्पाञ्जलिं च वर्प्यामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। कुलिभागवत महापुराणे के सुखदेव जी महाराज के व्यास जी महाराज के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब मेरा निवेदन है हमारे मुख्य यजमान श्री भावना सोनी और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूज्य महर्षि से, उसके बाद
मैं निवेदन करूंगा कि श्री गोपाल अग्रवाल जी जबलपुर से जो पधारे हैं वो पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करें और आशीर्वाद लेकर अपने अपने स्थान पर आप सभी बैठें। निवेदन करूंगा जलंधर से रघुनाथ शिक्का जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आशीर्वाद लेकर अपने स्थान पर आप बैठेंगे। उसके बाद में निवेदन करूंगा हमारे सुनील सिंगल जी जो आगरा से पधारे हैं, शहपत्नी कीर्ति सिंगल एवं सुनील सिंगल जी, वो भी खेलडी वाले, वो भी मंच पर। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य पिताश्री मंच पर आ जाएं और माताजी मंच पर आएंगे। पूज्य पिताजी और माताजी मंच पर आए। निवेदन करूंगा कि हमारे सोनी जी पूज्य पिताजी को शॉल ओढ़ाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एचपी अग्रवाल जी भी चले जाएं, पूज्य पिताजी को और हमारे माताजी को। पूज्य माताजी को चलो लाएंगे और आप जहां बैठे हैं वहीं से प्रणाम करेंगे हमारे पूज्य माताजी और पिताजी को। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री एचपी अग्रवाल जी, एमएल सोनी जी, हमारे पूज्य श्री राधेश्याम शास्त्री जी को माल अर्पण कर सोलोड़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं उसके बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी को सॉल उड़ाकर माला अर्पण कर उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि श्री रमेश चतुर्वेदी जी औरैया जिला से पधारे हैं, वो मंच पर आए। श्री रमेश चतुर्वेदी जी मंच पर आएंगे और जिस प्रकार इस आयोजन में हम सभी पहुंचे हैं और आज द्वितीय दिन इस आयोजन का और हम सभी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि भक्तों को बैठने की जगह भी ढंग से नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद भी आराम से सभी शांति प्रिय और हमारे जिस प्रकार श्री रमेश चतुर्वेदी जी जो हमारे सलाहकार भी हैं और इस बार वो फाउंडर मेंबर बने हैं, जोरदार ताली बजाकर उनको धन्यवाद देंगे। 5,51,000 रुपये की राशि देकर फाउंडर मेंबर बने हैं और जो हमारे 1,11,000 रुपये देकर वो सलाहकार के रूप में भी पहले दे चुके हैं अपनी सेवा, हृदय से धन्यवाद है आपका। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें और हम सभी शांति से उनको श्रवण करेंगे। तो हम सभी भक्त प्रेमी पूज्य महर्षि को पहले भागवत जी को नमन करेंगे। श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज भागवत जी को नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी भी भागवत जी को नमन करेंगे। चलते हैं, हम चले हैं पूज्य श्री राधेश्याम शास्त्री जी के पावन सानिध्य में, वो अपना आशीर्वाद हमें देंगे और आप सभी शांति से उनको श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पगवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान को प्रणाम करता हुआ व्यासपीठ पर विराजमान श्री व्यास जी को वंदन करता हुआ भागवत के विद्वान डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी का अभिनंदन करता हुआ जितने भी श्रोता आए हैं इस ब्रजभूमि में भागवत सुनने के लिए उनके भाग्य की सराहना करता हुआ सबका अभिनंदन करता हूँ। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, जब मैं थोड़ी देर बोलूंगा क्योंकि कथा में विघ्न नहीं करूंगा, हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं, भागवत हमारे लिए आराध्य है। मैं दो तीन शब्द कहूंगा। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और जिनके ऊपर श्री राधा माधव की कृपा होती है वही ब्रजभूमि में आते हैं और भागवत की कथा सुनते हैं। सचमुच आज आप भाग्यशाली नहीं हो, परम भाग्यशाली हो इस ब्रजभूमि में और होली उत्सव में विश्व शांति धाम के प्रांगण में बैठ करके और भागवत की भी किससे सुन रहे हो, एक खाटी ब्रजवासी से सुन रहे हो, एक ब्रजवासी से सुन रहे हो। मैं जब प्रथम चरण के उद्घाटन में आया था तो मैंने एक शब्द कहा था, दशमी स्कंद में एक वर्णन है, मैं बहुत जल्दी कहूंगा क्योंकि मुझे कथा में विघ्न अच्छा नहीं लगता दो मिनट में कह करके। जब श्री कृष्ण के सखा कृष्ण के संग में गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े बाबा जी आए हैं जठाधारी मठाधारी, तो सखी बोली ब्रज की ले ओ, मक्खन ले जाओ दही ले जाओ, उन बाबा जी ने खवा दी हो और हमू काम करके आएंगी घर को। तो जैसी यशोदा मैया के पास गई, बाबा जी कहाँ आए, बोले मेरे घर तो कोई ना आया है, बोले तेरो लाला तो माखन लेके आयो, बाबा जी आए। तो देखो कहा जमुना के किनारे कन्हैया के बगल में बैठ के कोई माखन खा रहे हो कोई दही पी रहे हो, क्यों रे नंद के छोरा, क्यों रे नंद के छोरा, तू तो कह रहे हो हमारे यहाँ बड़े बड़े बाबा जी आए मठाधारी जठाधारी, यहाँ तो कोई ना आए। बोले बाबरी भाभी तो दिखाई ना दे रहे हो, या वृंदावन की भूमि में और मेरे संग में बैठ के जमुना के किनारे जो भोजन कर रहे हैं इन्हें तू साधारण बालक समझ रही है, अरे ये पहले जन्म के योगी हैं, कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने हिमालय में करोड़ों करोड़ों वर्ष तक साधना की है तब ब्रज में इनका जन्म हुआ है, ऐसी पावन ब्रजभूमि में तुम आए हो, तुम्हारे भाग्य की कौन सराहना करे। आज मैं श्रद्धे श्री देवकृंदन जी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इनका ब्रज में जन्म हुआ, ब्रज के ये खास ब्रज में ही जन्म भयो गांव में। और एक बात और कहना चाह रहे हूं, भागवत की कृपा होना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे भागवत केवल भक्त्या नच बुद्ध्या नच टीकया, तो भागवत की कृपा उनके ऊपर इनके ऊपर हुई है। सचमुच एक शब्द में जरूर कहना चाहता हूं, इनके जीवन में कोई पूर्व जन्म का पुण्य था जो ब्रज में जन्म हुआ, जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, बिना भगवत कृपा के यह सब साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, जरूर पहले जन्म की कोई साधना है ब्रज में जन्म होना। मैं दो तीन शब्द कहूंगा, हमारे श्री डॉक्टर पारासर जी भी बैठे हैं, दसवें स्कंद में वेदांत के विद्वान श्री उद्धव जी महाराज कहते मेरा अगला जन्म हो तो कहाँ हो, ब्रज की भूमि में हो, और कैसी ब्रजभूमि में, बात छोड़ दो ब्रजभूमि में जन्म होना तो संभव है ही नहीं जल्दी मेरा, बोले मैं इतना चाहता हूँ इन ब्रज गोपियों के ब्रजवासियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उस ब्रज भूमि में जन्म होना। आसा महो चरण रहने जो साम हम श्याम, वहां पे वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम, उन गोपियों की धूलि लेना। तो दो तीन बात, वही ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरा अगला जन्म ब्रज में हो, इन ब्रजवासियों की चरण धूलि मिले। श्रद्धे श्री देवकी नंदन जी इस पावन ब्रजभूमि में जन्म लेकर के आए हैं, तो ये पहले जन्म के कोई जरूर संत हैं, उन्होंने कोई साधना की है, उसी का प्रतिफल यही है, आप जैसे लोगों को
कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। एक स्वाट भागवत हो रही है, आपको 7-8 दिन ब्रज का सेवन करा रहे हैं, ये इससे बड़ा कार्य और कौन कर सकता है। अरे घर में रहते ना जाने कहाँ फंसे रहते, बहुत बड़ा कार्य ये कर रहे हैं। 2-3 शब्द में कहना चाहता हूँ, कोई अपने जी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि इतना बड़ा कार्य जो होता है बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता। आप इसमें बहुत बड़ी आहुति दे रहे हो, आप साधुवाद के पात्र हो, आप साधुवाद के पात्र हो। इतना ही मैं कहूँगा, कोई अपने जीवन में प्याऊ लगाता है, कोई अपने जीवन में अस्पताल बनाता है, कोई धर्मशाला बनाता है, सबसे बड़ा भाग्यशाली वह है जो गोविंद की कथा कराता है, जो गोविंद की कथा। मैं केवल आपको खुश करने नहीं आया, 10वें स्कंद में गोपी गीत में गोपियां कहती है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कब भिरीडतम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। जो तेरी कथा का दान करते हैं या गान करते हैं दुनिया में, उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है, उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। एक बात बहुत सुंदर कहना चाहता हूँ, गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें कुछ विशेषता समझ ले दिखाई दे, जैसे वृक्षों में पीपल में हूँ तो समझ लेना उसमें मेरा विशेष कुछ कुछ ना कुछ मेरा विशेष गुण है। तो यदि श्रद्धेय देवकीनंदन जी इतने लोगों को गोविंद की कथा में लगा रहे हैं, तो ये मैं तो यही कहूँगा, इनका ब्रज में जन्म हुआ, ब्रजभूमि में जन्म हुआ, ठाकुर ने कोई विशेष कार्य के लिए इनको भेजा है। और जिनसे विशेष कार्य कराते हैं, आज इनके एक सेवक श्री सोनी जी कह रहे थे ब्रजवास में ब्रजवासियों कथा कहने की अलग शैली, अरे हम तो यही कहे भैया या को ब्रज में जन्म है गयो, वहाँ पे ठाकुर की पूरी कृपा है गई, और जिसके भाग्य खुल गए चाहे गोविंद की शरण में आ गया, रास बिहारी की शरण में या कैसे भी शरण में आ गया, भागवत कल्प तरु है। वैसे हमसे कहा था 2-3 मिनट में ही पूरा कर देना, पर क्या बताएं मंच पे बैठने के बाद, तो एक बात कह रहा हूँ 2-3 शब्दों में, भागवत कल्प तरु है, भागवत कल्प तरु है। जो भागवत की शरण में आ गया, भागवत की शरण में आया, जिसने अर्थ मांगा उसको अर्थ मिला, जिसने यश मांगा उसको यश मिला, जिसने बेटा मांगा उसको बेटा मिला, और जिसने मोक्ष मांगी उसे मोक्ष मिल गया है, ये भागवत कल्प तरु है। जिस वक्ता ने, जिस श्रोता ने, जिस कामना से श्रीमद् भागवत की सेवा की है। और हमारे पूज्य स्वामी घृणंद जी महाराज तो कहते थे, भागवत तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है, कोई भी आचार्य आए मुझे मेरे वेदांत का दर्शन दे दो तो भागवत ने, अरे कोई कहता द्वैताद्वैत का दे दो, विशिष्टाद्वैत जो भी आया है उन सबका वेदांतों का प्रतिपादन भागवत ने किया है, भागवत कल्प तरु है। एक बार आप सबके भाग्य की सराहना करता हूँ, आप सबके भाग्य की सराहना करता हुआ इस पावन ब्रजभूमि में जो आप आए हो, इसका श्रेय तो श्रद्धेय श्री देवकीनंदन जी को ही दिया जाता है, जिन्होंने आपको बुला लिया है और ब्रज का सेवन करा रहे हैं। और हम तो ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इनको और शक्ति सामर्थ्य दे ऐसे ही। अरे कुछ लोग कहते हैं क्या देते हैं, अरे इससे ज़्यादा क्या देते, तुम्हारे मुख से जय जय श्री राधे निकलवाते हैं, जय जय श्री राधे निकलवाते हैं। विश्व को शांति तो अपने आप मिल जाएगी, श्री राधा नाम का जब उच्चारण होगा तो विश्व में अपने आप शांति आ जाएगी। भगवान नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है, भगवान नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। नाम संकीर्तन में यस्य भागवत का समापन, भागवत का समापन, नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। आज बहुत प्रसन्नता है, यहाँ 108 पाठ नहीं ज्यादा पाठ हो रहे हैं, यहाँ पर ये 211 पाठ हो रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये विश्व में शांति कब आएगी, जब जगह जगह भागवत का सस्वर पाठ होगा। हमारे यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लेना, हम जो शब्द बोल रहे हैं, अभी हमारे भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं पराशर जी बताएंगे, जिस जगह भागवत की कथा होती है, भागवत का पाठ होता है, वहाँ से कलयुग अपने आप भाग जाता है। जब भागवत होती है वहाँ तो गोविंद रहेगा, संसार के विषय वहाँ रह ही नहीं सकते, ये दिव्य। और वृंदावन में तो इनका प्रवेश ही नहीं है, वृंदावन में इनका प्रवेश कहाँ है और क्यों नहीं है, कौन कहता है श्री कृष्ण गए हैं वृंदावन से, जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। वृंदावनम परित्यज्य
पादमेकम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके एक पग यहां से कभी गए ही नहीं है। गौड़िया संप्रदाय के संत कहते हैं गए होंगे तो वसुदेव नंदन गए होंगे, नंद बाबा को छोड़ा या वृंदावन छोड़ के ब्रजभूमि छोड़ के कबहू और कहूं ना जाए, वो तो यही रहे हैं। अनुभव करना, शायद इस कथा में अनुभव करना तुम्हें भी लगेगा, तुम्हारी बगल में श्री कृष्ण विराजमान है, अनुभूति करना यहां बैठ करके। श्री राधा सुधा निधि कार कहते अलम विषय वार्तया, अन्य चर्चाएं मत करिए, फिर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। मैंने 94 से 108 भागवत शुरू की, सभी तीर्थों में की है, और जब 108 भागवत का पाठ होता है, ब्राह्मणों का पूजन होता है, वो दिव्य अनुष्ठान है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अब 108 पाठ भागवत के होते हैं, अभी श्रावण में भादों में हमने भी किया यहाँ फोगलाश्रम में, अभी 7 जून से ऋषि, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा कार्य है, और ऐसे अभी तो 108 हो रहे हैं, हजारों भागवत के पाठ हो, विश्व में अपने आप शांति आएगी, विश्व में अपने आप शांति आएगी। जब भागवत का पाठ, भागवत का पाठ जब घर घर में होने लग जाएगा, जन जन में ये भागवत का पाठ जाएगा, तो विश्व में शांति होगी, बस विश्व का कल्याण अपने आप हो जाएगा। हम सब आयोजकों का अभिनंदन करते हैं, क्यों, जिनके द्वारा हम आए हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा सहयोग तो आप लोगों का ही है यहाँ पर, जो इतना बड़ा सहयोग आप लोग कर रहे हो और सहयोग करें। और भागवत भगवान को प्रणाम करता हुआ, और हमारे श्रद्धे श्री देवकी नंदन जी के जितने भी सेवक हैं, इनके भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, भगवान इनको शक्ति दे, ऐसे ही सेवा करते रहे यहाँ पर, विश्व में भागवत का प्रचार। एक बात और कह दूँ, ध्यान से सुन लेना, कुछ लोग कहते हैं भागवत का हम प्रचार करेंगे, मैं सांची बता दूँ, हम भागवत का प्रचार नहीं करेंगे, जो भागवत की शरण में आ गया भागवत ने उसका प्रचार कर दिया, भागवत ने उसका प्रचार कर दिया। पहले हमें कोई नहीं जानता था, गली में निकल जाते थे, पर जब तक जब भागवत का आश्रय लिया, पूरी दुनिया जानने लगी, पूरी दुनिया जानने लगी, जो भागवत की शरण में आ गया उसका सब कुछ सुधर गया है। बस सब आप लोग ईमानदारी से भागवत आश्रय लें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आइए व्यास गादी को प्रणाम करता हुआ, जय जय श्री राधे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परम परा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अने बोल भक्त वत्सल भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण होरी के रसिया की जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर आसीन हमारे परम स्नेही श्री देवकी नंदन जी महाराज हमारे साथ मंच पर विराजमान परम श्रद्धे श्री राधेश्याम जी महाराज तथा अन्य समस्त संत वृंद भक्त वृंद और सुदूर अंचलों से पधारे हुए समस्त रसिक श्रोताजन, अभी अभी हमारे श्री शास्त्री जी ब्रज के में आने का यहाँ निवास करने का यहाँ के महत्व का अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे थे। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे श्री ठाकुर जी ने आप सबको श्रीधाम वृंदावन में बुलाया है। ब्रज का अर्थ क्या है, ब्रज का मतलब क्या है, ब्रजति भगवत समीपे सब ब्रजः, ब्रज गतौ धातु है, अर्थात जो भगवान के चरणों तक आपको पहुंचा दे
भगवान के साथ आपका संयोग करा दे, उसका नाम है ब्रज। तो हमारे ठाकुर जी ने, और जब तक ठाकुर जी की कृपा न होवे तब तक ब्रज में प्रवेश हो ही नहीं सकता। और एक बार जिसका ब्रज में प्रवेश हो गया तो यत्र प्रविष्टो सकल उपी जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैती। वृंदावन धाम ऐसा है जिसमें प्रवेश करने मात्र से जीव मात्र सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। और होली के अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में आगमन हो जाए। वृंदावन के विषय में रसिक जन कहते हैं कि अरे वेदांतियों, जो ब्रह्म का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन वेदांतियों के प्रति ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि वेदांतियों, उस ब्रह्म को तुम वेदों की शाखाओं में, वृक्षों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। अरे ब्रह्म को वेदों में नहीं ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे। बोले वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। अरे वेदांतियों, उस ब्रह्म को तुम वेदों में ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा, उसको ढूंढना है तो वृंदावन के वृक्ष वृक्ष के नीचे ढूंढो, तो किसी कदम के किनारे बंसी बजाता हुआ मुस्कुराता वह कभी भी किसी को मिल सकता है। वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। बोले देखो, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करना चाहिए, तो आप प्रमाण दीजिए कि हमको वृंदावन में वृक्ष वृक्ष के नीचे मिल ही जाएगा, इसका क्या सबूत है। बोले सबूत यह है कि यद ब्रज मनता भूत्वा श्रुति भी यही वावलोकितम पर ब्रह्म। श्रुतियों ने भी उस ब्रह्म को बहुत ढूंढा, पर वर्णन करते करते श्रुतियां भी अंत में नेत नेत कह के मौन हो गईं और उसको समझ नहीं पाई। तो वे ब्रज की श्रुतियां ही ब्रज की गोपियां बन करके आईं, और ब्रज की गोपियां बन के उन श्रुतियों ने अपने उस ब्रह्म को अपने इशारों पर नचाना प्रारंभ कर दिया। तो जो ब्रह्म सारे संसार को नचाता है, उमा दारु जोसित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली का खेल होता है ना, तो सूत्रधार अंगुलियों के इशारे पर कठपुतली को नचाता है, ऐसे ही परमात्मा समस्त जीवों को अपने इशारे पर नचाते हैं। परंतु जो सारे जगत को नचाता है, उस जगन्नाथ को, जगदीश्वर को ब्रज की गोपियां तनिक छांच के लिए नचाती रहती हैं। वैकुंठ में बैठ के तो दुनिया को नचाते हैं, पर ब्रज में आकर के गोपियों के सारे पर स्वयं नाचने लग जाते हैं। वैकुंठ में जाके देखो तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यावें, पर वृंदावन में आ गए तब बोले ताहे अहीर की छोहरियां छछियां वर छांच पे नाच नचावें। तो दुनिया को नचाने वाले को ब्रजवासियों ने और ब्रज की गोपियों ने इस भूमि में अपनी उंगलियों पर नचाया है, और ऐसी दिव्य भूमि में बड़े बड़े लोगों को नाचना पड़ जाता है। तो हमारे रसिक शिरोमणि श्री ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने आप सबको होली के अवसर पर यहाँ बुलाया है। और होली का मतलब क्या होता है, कैसे आपकी शादी होली, बोले वो तो पिछले साल ही होली, होली माने होली। तो आप किसकी होली, संसार की होली कि संबंधियों की होली, परंतु यहाँ पर जो आता है वो सब ठाकुर जी की होली। तो ठाकुर जी ने आप सबको आज से ब्रज में बुला करके ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, आपका संबंध ब्रज से और ठाकुर जी से जोड़ दिया है, आज से आप सब ठाकुर जी की होली। तो होली पर ठाकुर जी के हो जाओ और ठाकुर जी के बन करके और उन्हीं के रंग में रंग करके यहाँ पर जाओ, और ऐसा गुलाल आपके ऊपर ठाकुर जी लगाएं कि वो रंग हमेशा के लिए आपके चित्त पर चढ़ जाए और वो रंग कभी भी आपके जीवन से न छूटे। ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ हम श्री ठाकुर जी को विशेष कर बधाई देते हैं, जिन्होंने इतनी संख्या में आप सबको यहाँ बुला करके ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ दिया और माध्यम श्रीमद् भागवत को बनाया। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसे अपनी वाणी से कहा उसका नाम है भागवत। भगवान एक बात कह करके बस वाणी को विराम देता हूँ। दो धाराएं भगवान के अंग से निकली, एक का नाम है भागवती धारा, दूसरा है भागीरथी धारा। दोनों भगवान के अंग से निकली, भागीरथी भगवान के चरणों से निकली जिसका नाम है गंगा, और भागवती भगवान के मुखारविंद से निकली, दोनों जीवों का कल्याण करने के लिए निकली। गंगा जी में भी स्नान करो तो एकदम शीतलता मिल जाती है,
और धूल मिट्टी पसीना जो भी शरीर में लगा हो सब धुल जाता है, और एकदम जब स्नान करके निकलते हो तो आप चमक जाते हो, एकदम शीतल हो जाते हो, ठंडे हो जाते हो। मई जून में भी तरावट आ जाती है, परंतु उन भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको गंगा के तट पर ही जाना पड़ेगा। गंगा जी चाहे जहाँ आपको स्नान कराने के लिए नहीं आएंगी, परंतु भगवान ने अपने मुखारविंद से ये जो भागवत की ज्ञान गंगा बहाई है, ये ज्ञान गंगा को चाहे बंबई बुला लो, चाहे कलकत्ता बुला लो, चाहे वृंदावन में बुला लो, चाहे अपने घर में बुला लो, ये गंगा सब जगह सकल लोक जग पावनी गंगा है, ये सर्वत्र पहुंचती है और सभी को स्नान कराती है। पर इसमें भी तरावट, इसमें विशेषता क्या है, गंगा जी में नहाने से तन शीतल होता है, पर भागवत की ज्ञान गंगा में नहाने से मन शीतल होता है। और आज सारी समाज, सारे विश्व की समस्या यही है, कोई कितना भी संपन्न हो जिसको देखो महाराज बड़ा टेंशन है, भगवान का दिया सब कुछ है पर शांति नहीं है, जिसको देखो वो अशांत है, हैं यहाँ। और इस संसार का अर्थ समझते हैं, संसरतीति संसार, जो प्रतिक्षण सरकता जा रहा है उसका नाम संसार है। यहाँ परमानेंट कोई नहीं है, यहाँ पर कोई ना परमानेंट, चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। तो यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, इसी बात का हम सबको टेंशन है। और टेंशन का अर्थ समझते हैं, टेन माने दस और सन माने सूर्य, तो एक सूर्य भगवान जब तपते हैं तो खोपड़ी गर्म कर देते हैं, तो जिसके भीतर टेंशन हो अर्थात दस दस सूरज जिसके यहाँ जलगेंगे वो तो फूक ही जाएगा। तो आज कल हम लोग सबके भीतर ज्वालामुखी जल रही है, जिसको देखो वो टेंशन में है। तो उन सब टेंशनों को दूर करने के लिए, हम सबको अटेंशन करने के लिए हमारे ठाकुर जी महाराज भागवत की ज्ञान गंगा बहाएंगे, आप लोग इसमें गोता लगाएंगे, हैं, और आप अपने मन को शीतल करके इस शांति स्थान से अपने चित्त को शांत करके, मन को शीतल करके, और यहाँ सब ठाकुर जी के रंग में अपने आप को रंग करके तब जाइएगा। और ये रंग साल भर में यदि उतर जाए तो अगली साल फिर आइएगा, और हमेशा इस रंग में आप रंगे रहें, इसी से जीवन धन्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदे सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। जन्मादिशयदोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञसुरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर वरहा पीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णकारं विव्रतवासः कनकिकपिशं वैजयन्तीं च मालां वृन्दानवेणुवधरसुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमिणं प्राव सद्गीतकीर्तिः। वसुदेव सुदं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरु ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वासु सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अहो वृषवानु बिलाडली ने कमेरी ओर निहार वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करू मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनौ वंदे कृष्णौ वंदे व्रतासुदम उपस्थित सभी भक्त वृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन के भंडारी सब भद्रभाव देखे सदमार्ग के पथिकों दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण पानी था
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना, वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। और आस्था चैनल के माध्यम से सभी रसिक प्रेमी जन जो श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता। जब हमारे पूर्व जन्म के सुकृतों का संचय होता है, उनकी कृपा हमारे जीवन में होती है, तब हमें संत विद्वानों का, भगवत भक्तों का, भगवत गुणानुवादों का गायन करने वालों का दर्शन होता है और उनके मुख से कुछ आशीर्वचन हमें श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। बीनो हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक प्रभु कृपा न करे, देखिए अब कृपा किसकी बड़ी है, प्रभु की कि संतों की? प्रभु जब कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो प्रभु मिलते हैं। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे मंच पे, हमारा मतलब हम सबका, मेरा नहीं है, हम सबका, ठाकुर जी का भी। आज इस मंच पे पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज और राधे श्याम शास्त्री जी महाराज, जिन वृंदावन के ये दो पिलर हैं, कोई भी आज के युग का कथा गायक जो अब नवोदित हैं, आप दोनों से ही काफी प्रेरणा लेते हैं और काफी प्रेरणा लेकर वो इस कथा को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये शरीर भी आभारी है आप दोनों का ही कि यहाँ पहुंचकर आशीर्वाद दिया, और आस्था चैनल के माध्यम से जो हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग सुश्रवण कर रहे हैं देश विदेश में, उनका भी आशीर्वाद देकर उनको ब्रज के रहस्य को समझाने की कृपा करी, तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी से तो हमारा मिलना हुआ जब जून में इनोग्रेशन हुआ था, लेकिन पारासर जी जो हैं ये गुप्त रहे और लुप्त रहे, व्यस्त रहे, बहुत नजदीक आकर भी कभी मिलना नहीं हो पाया। कुंभ में हम लोग बहुत नजदीक थे मिलने पे, लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने ऐसा संदेश पहुंचा दिया, तो बहुत कुछ होता है तो नहीं मिलना हुआ। और लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि हम लोगों का मिलन उन्हीं की पावन भूमि पर हो, तो आज आप सबके सामने ये शरीर आभारी है, बहुत बहुत कृपा है, और बस यही चाहते हैं सबके समक्ष कि आप अपनी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखें और ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। आप लोगों की कृपा हम पे होगी, हम आगे कृपा बरसा देंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे आगे। तो जो टेंशन है उनको अटेंशन करके इनके जीवन में भी कुछ जलन से हटाकर शांति की तरफ। ये सच है मेरे भाई बहन, अगर जीवन में अतृप्तता हो, अशांति हो, क्लेश हो, द्वेष हो, जो भी समस्याएं हो, जो आपको भगवान के चरणों तक
पहुंचने नहीं देती। तो भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपकी बिना समस्याओं को समझे सुने या बिना ये सोचे कि ये किससे दूर होगी, बस आपको एक इनविटेशन देती है कि प्लीज कम टू मी, तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ, देन आई फिनिश्ड योर ऑल प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूं। नदी पार करने के लिए सेतु की जरूरत होती है, तुम्हारे और बीच में जो माया की नदी है ना, इसको समाप्त करने के लिए ईश्वर के और मेरे बीच में जो भागवत का सेतु है ना, ये बहुत सुंदर है। श्रवण मात्र से ही कल्याण करा देता है, श्रवण मात्र से हरि दर्शन तक पहुंचा देता है। जो लोग संसारिक बातें मांग लेते हैं, वस्तुएं मांग लेते हैं, वो वहां सीमित हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं चाहिए अनुपत्यो मोक्ष कामम, उन्हें मोक्ष का रास्ता ये भागवत दिलाती है। और जिन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो कई लोग ऐसे भी तो हैं, हमारे ब्रज के अधिकांश रसिक भक्त तो मोक्ष ही नहीं चाहते। क्या चाहते? बोले बार बार जन्म और बार बार तेरी सेवा मिले, तेरे चरणों में लगे रहे, बस हमें मोक्ष मोक्ष लेके क्या करना है। जन्म ही नहीं होगा तो तुम्हारी सेवा नहीं होगी, गुणानुवाद नहीं होगा, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी सेवा चाहिए। तो जिन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, उन्हें परमात्मा अपने यहाँ की वेश कीमती भक्ति प्राप्त करा देता है और हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर उसका हो जाता है। तो आइए दो मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, जिससे आपकी वो जो समाप्त हो जाए और आपका मन ठाकुर जी के चरणों में लगे, कथा में लगे। श्री राधारसेश्वर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव राधारसेश्वर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव कृष्ण सर्वेश्वर देव श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव श्री कृष्ण सर्वे कांधा ऐसा नहीं दे सकता, ये तो तेरे कर्म ही तुझे। मैंने सुना है कई बॉलीवुड के लोग बंद कमरे में मर गए, जब गंदी स्मेल बाहर निकली तो पता चला कि वो मर गए। अब ऐसा पैसा किस काम का कि तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हारा अपना कोई ऐसा ना हो जो तुम्हें कंधा दे और इस दुनिया को बता सके कि मर गया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी जीकर? मेरे भाई बहन, मैं हो सकता हूं कि आपके बच्चे की उम्र का हूं, लेकिन मेरी बात को सीरियसली लेना। इस व्यासपीठ पे किसी का बच्चा नहीं बैठा, इस व्यासपीठ पे एक आत्मा बैठी है और ठाकुर जी से प्रेरित होकर वो आत्मा बैठी है। इस आत्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। पर्सनलाइज, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, मेरा टारगेट सिर्फ एक है, तुम्हें कृष्ण तक सेंड कर देना, भेज देना, यही मेरा लक्ष्य है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें अपने लोगों से मिलवा देते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें अपने लोगों से बिछड़वा देते हैं। अगर भाई बनना हो ना तो रामायण का भाई बनना,
महाभारत का भाई मत बनना। छीन लेना ही तो दुष्टता है और छोड़ देना ही तो साधुता है। कई लोग छीनते हैं और कई लोग छोड़ देते हैं। छीनना और छोड़ना दोनों ही तो एक ही शब्द से शुरू हो रहे हैं, छा से। एक का स्वभाव है छीन लेना, एक का स्वभाव है छोड़ देना। जो छोड़ दे वो दुर्योधन, जो छोड़ दे वो धर्मराज, वो रामायण का भाई राम भरत, और जो छीन ले वो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि। और इतिहास ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करता जो छीनते हैं, इतिहास ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो छोड़ते हैं। और एक बात बता दो, तुम कितना भी छीन लो, तुम पूरे विश्व की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ, क्या मरने के बाद दो गज जमीन भी अपने साथ ले जा सकोगे? जवाब दो, हाँ या ना, जवाब तो दे दो। नहीं ले जा सकते ना? अगर ले जाते होते तो अब तक कुछ मिलता तुम्हें? हमारे तुम्हारे पूर्वज ही सब ले लेके अपने मां बैठे हो चंदा मामा दूर के। सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, वो भी खाली हाथ चल, तो तू कुछ ले जाएगा? नहीं ना। तो महाभारत के भाई मत बनना, रामायण के भाई बनना। जितना भलाई कर सको इस समाज का, इस धर्म का, इस संसार का, जितना हित कर सको वो कर लो। वरना तुम देश को कितना भी लूटने की कोशिश कर लो, तुम परिवार को कितना भी लूटने की कोशिश कर लो, तुम कभी मालामाल नहीं हो सकते। तुम कंगाल थे, कंगाल हो और कंगाल ही रहोगे। मालामाल कौन है? राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे। राम नाम की लूट है, ये राम नाम धन जिसके पास है वही मालामाल है। क्या बोलना पड़ेगा? महाभारत में एक प्रसंग, द्रौपदी का विश्वास। अभी आज मेरे को किसी ने प्रश्न किया, आज ही किया था, कि धर्मराज इतना धर्मात्मा, उसने जुआ क्यों खेला? धर्मराज इतना धर्मात्मा था तो उसने जुआ क्यों खेला? दो चीजें यहां इस संदर्भ में आती हैं। एक, पहले द्यूत कीड़ा हर एक राजा का शौक हुआ करता था। पहले जुआ हर एक राजा एक दूसरे से खेलते ही थे, एक शौक था। जैसे आजकल बड़े लोग गोल्फ नहीं खेलते, गोल्फ क्रिकेट, तो पहले बड़े लोग ये द्यूत खेलते ही थे अधिकांश। कोई बहुत, इवन भगवान भी चौसर तो खेलते ही, भगवान ही खेले, श्री कृष्ण भी चौसर खेलते थे। लेकिन उस पे शर्त रख के उसको जुआ कहते हैं। भगवान जुआ नहीं खेलते थे, धर्मराज जुआ क्यों खेले? दो चीजें यहां सामने आती हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों से गलतियां नहीं होती, ये जरूरी नहीं है। गलतियां होती हैं, अच्छे लोगों से भी गलतियां होती। सबसे बड़ी गलती जुआ खेलना गलती नहीं था, सबसे बड़ी गलती उस दापर द्रौपदी को लगाना था। शायद जुए से बड़ी गलती तो वो थी, जो आज तक बुरे से बुरा व्यक्ति नहीं कर सका वो धर्मराज कर बैठे। इसको कहते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि सोचना समझना बंद कर देती, ना अच्छा वाला नहीं सोच सकते हम, बुद्धि नष्ट हो जाती। सेकंडली एक और बात यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान संसार को बताना चाहते हैं कि जिस वक्त कोई नहीं होता उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ा। कैसे? बोले जो धर्मराज को माध्यम बनाया ठाकुर जी ने, इससे द्रौपदी को दांव पे लगवा दिया। दुर्योधन के बुद्धि में ऐसा विचार डाल दिया कि जाओ इसको कहो ये दुशासन लेके आए द्रौपदी को। रजस्वला स्थिति में एक वस्त्र है बस, उसके तन पे वही साड़ी है और कुछ नहीं। तो अब उस द्रौपदी के विश्वास की कल्पना करना कितना विचित्र बात है। कौन कर सकता है विश्वास?
दुशासन साड़ी को खींच रहा है, वो उतारना चाहता है। और द्रौपदी को पता है कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये मेरी मदद करने वाले नहीं, और याद रखना ये संसार है, ये तुम्हारे कब तक है? जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तुमसे, और जब इनका स्वार्थ सिद्ध तुमसे नहीं होता ये संसार वाले तुमसे किनारा कर जाते हैं, उसी वक्त किनारा कर जाते हैं। पति पांच है, पांचों सर झुकाए बैठे, पितामह भीष्म, पितामह भीष्म ऐसा धर्मात्मा एक बार खड़े हो जाए तो सब भाग जाए वहां से, वो भी सर झुकाकर बैठे, बोल ही नहीं पा रहे। तो इस कंडीशन में द्रौपदी ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरी मदद कौन कर सकता है यहां पर। और एक बात बता दूं मेरे भाई बहन, प्रसंग आपको मैं बताऊंगा, पूरा प्रसंग बताऊंगा, देख रही है कि दुशासन चीर खींच रहा है, उसके बाद द्रौपदी की प्रतिक्रिया क्या रही, पकड़ना चाहिए चीर को, धोती को पकड़ना चाहिए दोनों हाथों से, नहीं, और ये अगर कोई एक्शन में है, आप वस्त्र खींच रहे हो किसी स्त्री के, तो स्त्री का रिएक्शन क्या होता है, वो वस्त्र को बचाती है। पर द्रौपदी का जो रिएक्शन है वो अपोजिट है, वो वस्त्र खींच रहा है और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। इस विश्वास को किसकी, क्या उदाहरण दूं मैं यहां इस विश्वास का, कोई भी स्त्री इतना विश्वास नहीं करेगी, कोई भी नहीं। और जब स्त्रियों का विश्वास इस हद तक चला जाए तो मेरे ठाकुर को प्रकट होने में एक सेकंड नहीं लगता, एक विद इन सेकंड। मैं एक बात पूछूंगा, अगर कोई एक वस्त्र है और साड़ी को खींचने में कितनी देर लगेगी, एक मिनट नहीं, कुछ सेकंड लगेंगे, और उन सेकंडों में ठाकुर जी दोनों हाथ ऊपर कर दिए। क्यों? बोले हे सांवरे, अगर तू ही चाहता है कि मेरी लाज चली जाए तो मैं कौन होती हूं अपनी लाज बचाने वाली। इस वक्त अगर तू नहीं आया ना, तो जिसे तू अपनी बहन अपनी सखी कहता है ना, उसकी लाज चली जाएगी, कृष्ण से नहीं रहा। हे प्रियतम, हे मोहन, हे मधुसूदन, हे माधव, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, ये जमाने ने मुझे छोड़ दिया, अब ये मेरी तरफ मेरी मदद के लिए इनके हाथ नहीं उठ रहे, ये सब साइड में चले गए, किनारा हो गए, ले लिए सबने। लेकिन मुझे पता है, मैंने सुना है मोहन, जिसका कोई नहीं होता उसका थू होता है, क्या आज अपनी कृष्णा की लाज जाने देगा, जाने देगा तू? और ऐसे कहकर द्रौपदी रो पड़ी और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हे कृष्ण, जिसकी लाज तू तरवाना चाहे उसकी लाज कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी लाज तू बचाना चाहे उसे कोई छीन नहीं सकता, तेरे हवाले मेरे प्यारे, तेरे हवाले। एक सेकंड की देरी नहीं की मेरे ठाकुर ने, एक सेकंड की नहीं, और बिना सेकंड की देरी किए ठाकुर जी वस्त्र रूप में प्रकट हो गए हैं और द्रौपदी के उस वस्त्र में समा गए हैं, और दुशासन से कहा, देखता हूं तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है, क्या तू मेरी बहन की, मेरी द्रौपदी की, मेरी सखी की तू लाज उतार सकता है, खींच के देख, मैं देखता हूं तुझे। जानते हो द्रौपदी किस कंडीशन में थी? रजस्वला। उस रजस्वला कंडीशन में हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का ये नियम है कि स्त्री के जब वो अपवित्रता के दिन चल रहे हों तो उनकी सकल भी नहीं देखते हमारे यहां,
उनकी शकल भी नहीं देखते, उनसे दूर रहते, उनका स्पर्श नहीं करते। उन्हें भोजन भी अलग पात्रों में दिया जाता है, उन पात्रों में भी भोजन कोई करता नहीं है। आजकल ये सुविचार नहीं रहे, पवित्रता नहीं रही, शुद्धता नहीं, वो अलग बात है। आजकल तो भोजन भी हम लोग उन्हीं के हाथों का बना हुआ खा लेते हैं। ये आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अपने पूरे विधि विधान की बात कर रहा हूं, नियम की बात कर रहा हूं। जिस कंडीशन में उस द्रौपदी की सूरत नहीं देखनी चाहिए, उस कंडीशन में कृष्ण वस्त्र बनकर उसके अंग का स्पर्श कर रहे हैं। मेरे प्यारे हो, जब तुम्हें मेरे ठाकुर की जरूरत पड़ती है ना, तो वो कोई तुम्हारी अवस्था नहीं देखता कि तुम अमीर हो कि गरीब हो, वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं देखता कि तुमने महल बनाए सजाए कि नहीं सजाए, तुम झोंपड़ी में रहते हो कि बिल्डिंग में रहते हो। ये मेरा ठाकुर न वो तुम्हारी अवस्था देखता है न तुम्हारी व्यवस्था देखता है, वो सिर्फ इतना देखता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। और जब वो देखता है ना तुम्हें उसकी जरूरत है और तुम्हारा विश्वास उस लायक है, तो मेरा ठाकुर एक सेकंड की देरी नहीं करता, बिना विलंब किए वो दौड़ पड़ता है तुमसे मिलने, तुम्हारी लाज बचाने, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हे मेरे भाई बहन, द्रौपदी की कथा हमारे इस विषय को मजबूत करती है कि आ जाते हैं श्याम कोई बुला के देख ले। वो आता तभी है जब बुलाने वाले के हृदय में पक्की और मजबूत श्रद्धा हो, विश्वास हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि द्रौपदी को वस्त्रों का भंडार मिला किस वजह से। एक बात और याद रखिए, आप लोग वृंदावन में आए हैं, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूं, जो कुछ देता नहीं है उसे कुछ मिलता नहीं है। जिस समय शिशुपाल का वध किया श्री कृष्ण ने, उस वक्त श्री सुदर्शन चक्र से संतों की कथा है, ऐसा भाव है कि उनकी छोटी सी कहीं उंगली में खरोंच आ गई तो रक्त बहने लगा। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। सब लोग दौड़ रहे थे वैद्य को बुलाने, और जब सब लोग वैद्य को बुलाने दौड़े तो द्रौपदी दौड़ी और अपनी साड़ी को फाड़ा और श्री कृष्ण की उस उंगली से बांध दिया। हो गया रक्षाबंधन। बहन ही तो भाई के हाथ में राखी बांधती है, हैं? मानो आज द्रौपदी ने राखी बांध दी हो और मानो कह रही हो, हे कृष्ण, मैं अपने पतियों पर उतना विश्वास नहीं करती जितना मैं तुम पे विश्वास करती। पर ये सच है, पति चाहे कितना भी बलवान हो, स्त्री अपने पति पे उतना विश्वास नहीं करती जितना अपने भाई पे विश्वास करती है। क्यों? जानती है मेरा भाई मेरे लिए जान दे सकता है। ये रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का सूत्र नहीं है, ये वचनबद्धता है कि अगर मेरी बहन पर संकट आएगा तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आज कृष्ण के हाथ में मानो द्रौपदी ने राखी बांध दी और कह रही हो, वक्त पड़े भैया अपनी बहन की लाज बचा। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करना, एक एक धागे के बदले में वस्त्रों का थान लगा दूंगा और तेरी लाज पर आंच तक नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। और आज जब द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी दौड़कर चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी आभारी हूं, किन शब्दों में मैं बयां करूं कि आप कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर करी है। मेरे पांच पांच पति सब सर झुकाकर बैठे थे, मेरे अपने परिवारी जन ही मेरी लाज लूटने में लगे थे। इस संसार जिन्हें मैंने अपना कहा वो मेरी मदद के लिए आगे नहीं आए, और एक तुम
कि मैंने तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं लिया और तुम दौड़ पड़े, मेरी लाज बचा जाए। हे कृष्ण, ये संसार के लोग बड़े अधर्मी हैं, इतने अधर्मी हैं जो तुम्हारा सहारा छोड़कर इन दुनिया वालों का सहारा लेते हैं। सच यह है, इस संसार जो कभी हमारा ना हो सका उस पे विश्वास करने की बजाय जो संसार का निर्माण करता है उसी पर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि वही है जो हर कंडीशन में हमारी लाज बचाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तुम मुझे अपना भाई कहती हो तो ये तो भाई का दायित्व है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ये तो मेरा दायित्व, तू मेरी बहन है, तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो कैसे उसकी हिम्मत हो सकती है कि वो तुम्हारी लाज उतार दे? नहीं, मेरी बहन हो तो। हे मेरे भाई बहन, ये सच्चाई है, तुम 100 जन्म भी लेकर इस दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकते। 100 जन्म भी लोगे ना तो भी इन दुनिया वालों को तुमसे कुछ शिकायत रह जाएगी, लेकिन 1 जन्म का भी 20% टाइम अगर मेरे गोविंद को मनाने में लगा दो तो मेरे गोविंद को तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, कभी कोई शिकायत। द्रौपदी को ये कृष्ण की उदारता का ही तो फल है, वरना कह देते तुम्हारी स्थिति है मैं नहीं आ सकता, कुछ भी करते, कोई भी बहाना बना देते, नहीं आते। मैया द्रौपदी के नहीं, मेरे भाई बहन हम सब द्रौपदी है, ये पूरा संसार हमारी लाज उतारने पर उतारू है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि हम इसी दुनिया वालों पर विश्वास करते हैं जो हमारी लाज बचाने को आता है, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते, हम उस पर यकीन ही नहीं करते, यही तो दुर्भाग्य है हमारा। ये कथाओं को सिर्फ कथा मत सुनो, ये सिर्फ सुनने का रस नहीं है, जीवन में उतारना है, कानों से हृदय में, हृदय से कर्म में, विश्वास करो इस पर और फिर देखो जो द्रौपदी की लाज बचाने वाला है वो तुम्हारी भी लाज बचाएगा, निश्चित तौर पर बचाएगा। जो द्रौपदी की लाज बचाता तुम्हारी भी लाज बचाएगा। मेरे भाई बहन, महाभारत का युद्ध आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है, जहां अपने ही अपनों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और आप भी अपना जीवन उठाकर देखिए, आपने दूसरों के अगेंस्ट लड़ाई कम लड़ी है, अपनों के अगेंस्ट आपने लड़ाई ज्यादा लड़ी है, हाँ या ना? आप अपनों के अगेंस्ट ज्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में आपकी विजय कैसे होगी? बोले जब कृष्ण आपके साथ होंगे तो आपकी विजय होगी, और जब कृष्ण नहीं होंगे तो विजय नहीं होगी। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा काम करने जाओगे तो दुनिया वाले आपको रोकेंगे जरूर, निश्चित तौर पर रोकेंगे, निश्चित तौर पर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, अटकाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, इनका काम ही है। एक महात्मा जी थे, कथा सुनाते सबको, ठाकुर जी की बहुत प्यारी कथा सुनाते, इतनी प्यारी कथाएं सुनाते थे कि उनकी चर्चे बड़े बड़े घरानों में होने लगे, और बड़े बड़े घर से बड़ी बड़ी स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां वहां आती, भगवान की कथा सुनती, प्रसन्न होती और बड़ा आनंद लेती, और वो ठाकुर जी की भक्ति करने लगी सब।
जहां भी जाते वहां चर्चे हो जाते महात्मा जी के, बहुत अच्छी कथा सुनाते, बहुत अच्छी कथा सुनाते। लेकिन एक गांव में जब वो गए और उस गांव की बड़े बड़े घरों की भी बहू बेटियां आने लगी, तो उस गांव का एक बहुत हिटलर टाइप एक व्यक्ति था, वो बड़ा बुरा मानता कि महात्मा आया है, वो बड़े बड़े घर की जो स्त्रियां हैं वो आती हैं और ये सब प्रणाम करती हैं, इनको रोकना चाहिए। तो वो योजना बनाता रहता, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं की इस तैयारी में एक दिन वो अस्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से कहने लगे, बाबा जी तुम्हारा ये ढोंग ढपाड़ा यहां नहीं चलेगा, उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र सब यहां से, जोली झंडा उठाओ यहां से निकलो। हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। महात्मा जी बोले, क्यों भैया, ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया जिससे तुम इतना नाराज हो रहे हो, क्या हो गया? तो महात्मा जी को वो व्यक्ति बोला, जानते हो वैसे तुम महात्मा बनते हो, ये स्त्रियां तुम्हें प्रणाम करती हैं, तुम स्त्रियों से बातें करते हो। बोले, बातें नहीं करता, वार्ता करता हूं, ठाकुर जी की कथा वार्ता, मैं बात नहीं करता, मैं तो इनको ठाकुर जी की कथा सुनाता हूं। अरे बोले, ये सब तुम्हारा दिखावा है, तुम स्त्रियों को, और तुम कम से कम स्त्रियों को रोको, पुरुषों को ज्ञान दो। बोले, नहीं, मेरी नजर में स्त्री और पुरुष कोई अंतर नहीं है, मेरी नजर में सब बराबर है, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। समान दृष्टि से मतलब सब मेरी नजर में स्त्री पुरुष बराबर है। अच्छा, सब बराबर है? बोले, हाँ सब बराबर है। तो उसने एक हाथ में मदिरा की बोतल ली और मदिरा की बोतल निकाल कर कहा, लो ये बोतल और इसे दूध समझ के पी जाओ, अगर सबको बराबर समझते हो तो। ये मदिरा है, अगर तुम सबको बराबर समझते हो तो इस मदिरा को दूध समझ के पी जाओ, हम मान जाएंगे। बाबा जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो दूध ही है, इसमें मदिरा है ही नहीं, लाओ मैं पी लेता हूं। और जैसे ही उसने बढ़ाई तो देखा वो मदिरा तो है ही नहीं, उस बोतल में तो दूध है, दूध है। और इस अद्भुत चमत्कार को देखकर वो भी चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपके प्रभुत्व को, आपके इस स्वरूप को समझ नहीं सका। और उसके बाद उसने भी दीक्षा ली और भगवान का भक्त हो गया। याद रखना, जब भी आप अच्छा काम करने जाओगे, ये दुनिया वाले रोकेंगे, टोकेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, अरे भाई यहां पर आप लोग आए हो, कथा ही तो सुन रहे हो, मैंने कुछ और सुनाया आपको, इसके बावजूद भी लोग, आप कई लोग तो अप्रसन्न होंगे, और अप्रसन्न है तो वो उनकी खुशी उनके साथ में। अच्छा काम करते जाओ। महाभारत में दुर्योधन, बिना युद्धे न केशवः, हे केशव मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन ये तो धर्म नहीं है भाई, भाइयों का सर्वस्व छीन लेना, उन्हें कुछ भी ना देना, ये तो अधर्म है। बोले, हाँ कृष्ण मैं जानता हूं, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। हे कृष्ण मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं धर्म करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, मुझे मालूम है मैं जो कर रहा हूं यह अधर्म है, लेकिन मैं इस अधर्म को छोड़ दूं यह मेरा स्वभाव नहीं है। अधिकांश भारत के भ्रमित लोग ऐसा नहीं है कि वो धर्म और अधर्म जानते नहीं है, जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, मदिरा पीने वाले को नहीं पता मैं गलत कर रहा हूं, जुआ खेलने वाले को नहीं पता मैं गलत कर रहा हूं, भक्ष्य अभक्ष्य खाने वाले को नहीं पता मैं गलत कर रहा हूं, मेरी वजह से कितने पशु मारे जा रहे हैं, मेरी वजह से कितने पक्षी मारे जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता, सबको पता है कि ये गलत है, और न सिर्फ उनके लिए गलत है बल्कि खुद के लिए भी गलत है, कितना नुकसान हेल्थ में होता है, ये हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं,
उल्टी सीधी चीजें मत खाओ। और कई डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि जो मीट खाने वाला है उसे निश्चित तौर पर कैंसर होता है। जो मीट खाने वाले लोग हैं निश्चित तौर पर 100 में से 90 को कैंसर होगा। मदिरा पीने वालों की 100 में से 90 की किडनी लीवर ये खराब हो गई। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे शौक नहीं है, हम लोग डेली वाले नहीं है, हम कोई नशेड़ी नहीं है, बेबड़े नहीं। बेबड़े तो कौन है? खेबड़े बोल रहे हैं। आई एम नॉट बेबड़ा महाराज। हु कौन है तू? बोले महाराज हम लोग शाम को इवनिंग टाइम जस्ट फॉर फन एक दो पैक यू नो बस। तू एक दो पैक लगा, तेरी औलाद एक दो बोतल चढ़ाएगी। और ये इसमें हंसने वाली बात नहीं, और उसकी औलाद आई डोंट से एनीथिंग। आज बड़े बड़े घरों में बिना मदिरा के शाम नहीं होती, और वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारा घर बहुत बड़ा रे, डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमने आने वाली पीढ़ी को एक गलत रास्ता दिखा दिया है। बड़ी बड़ी पार्टियों में मदिरा और मीट के बिना कोई काम नहीं होता। उन लोगों ने समाज को भ्रमित कर दिया और वो हमको कहते कि हम रूढ़िवादी लोग हैं। अरे तुम्हारा भगवान भला करे पर करेगा नहीं, ये मैं जानता हूं, ये सच है। मदिरा पीने वाले का कैसे भला होगा, मीट खाने वाले का कैसे भला होगा? मैं क्यों झूठ बोलूं व्यासपीठ से? मैं नहीं बोल सकता, तू सपने पाल ले। पैसे से ही भला नहीं होता, पैसा पैसा तो मेरे भाई बहन वैश्याओं पर भी होता है, हैं? पैसा तो आजकल जो जितना बड़ा लुटेरा उतना ही बड़ा पैसे वाला है। पैसे वाला होना कोई बड़ी बात है? इस देश में जो जितना बड़ा पैसे वाला है इस देश में नाउडेज, ज्यादा मत बुलवाइए, वैसे ही पैसे वाले नहीं आते मेरी कथा में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मनी इज एवरीथिंग। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर, मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, तेरे कर्म अच्छे हैं। तो आजकल दुनिया में दुर्योधन ज्यादा बढ़ गए। जो ये जानते हैं कि यह धर्म है फिर भी अधर्म ही करते हैं, ये जानते हैं कि धर्म है लेकिन वो धर्म नहीं करते हैं। धन्य है इन भारत की माता बहनों के लिए जो भारत की माताएं बहनें आज भी धर्म के झंडे को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रही हैं। आज भी इस धर्म के झंडे को माता बहनों ने उठा रखा है, मैं सम्मान करता हूं। अभी वुमेन्स डे गया है, अरे मैं एक वुमेन्स डे पे यकीन नहीं करता, हर दिन भारत का वुमेन्स डे होना चाहिए। आई सल्यूट, मैं सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम करता हूं सीरियसली। आज भी देखिए, यहां भी देख लीजिए कितनी माताएं बहन बैठी है, परसेंटेज भाई माताएं बहनों की संख्या यहां ज्यादा है। भाई तो लगे होंगे अभी भी कटिंग करने में, कोई जेब काट रहा होगा, कोई कुछ काट रहा होगा, भाई किसी को एक क्या बोले, राधे राधे बोलो बस। आप सबसे मेरा प्रार्थना है इतने बड़े मत बनना कि हर शाम पैक के साथ शुरू हो। इतने बड़े कभी मत बनना जिंदगी में, छोटे बने रहो जो हर शाम माला के साथ शुरू हो, हर सुबह माला के साथ शुरू हो। इतने छोटे बने रहो मेरे भाई बहन, और विश्वास कैसा करो भगवान के ऊपर। आपने कभी बच्चे खिलाए अपनी गोद में छोटे छोटे? नहीं खिलाए? खिलाए होंगे, इतने शरीफ नहीं हो तुम। बच्चे खिलाए? उस बच्चे को जब कोई मां बाप ऊपर उछालता है तो वो हंसता हुआ आता है नीचे की तरफ। क्यों? ऊपर उछाल दिया, रोना चाहिए? तेरे मम्मी पापा के हाथ ढीले पड़ गए तो जमीन में गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बोले नहीं,
वो मुस्कुराता हुआ नीचे आ रहा है, क्यों? बोले उसे पता है कि जिसने मुझे ऊपर उछाला है ना, उसके हाथों में इतनी शक्ति है कि वो मुझे नीचे नहीं गिरने देगा। तो जब ये नादान अबोध बच्चा अपने माँ बाप पर इतना विश्वास करता है कि उसे पता है मेरे माँ बाप मुझे नीचे नहीं गिरने देंगे, तो फिर वो परम पिता जिसके नाम की माला तेरे हाथ में है, क्या वो तुझे नीचे गिरने देगा? इन माँ बाप के तो हाथ पांव कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उस परम पिता के कभी भी हाथ कमजोर नहीं है, नहीं है, नहीं है। विश्वास कर। क्या बोलना पड़ेगा? महाभारत का युद्ध हुआ मेरे भाई बहन, और महाभारत के युद्ध में अंततो गत्वा पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी के पांच पुत्र जो धर्मराज से उत्पन्न थे वो धर्मराज जैसे लगते थे, और जो भीम से उत्पन्न थे वो भीम जैसे, नकुल सहदेव और अर्जुन जैसे लगते थे उनके जो पुत्र थे। अब उन्होंने क्या समझा कि पांचों पांडव सो, अब देखो यहां पर भी मेरे ठाकुर जी की लीला, जिस शिविर में पांडव सोते थे उस शिविर में युद्ध के बाद पांडवों को नहीं सोने दिया। क्यों नहीं सोने दिया? क्योंकि अर्जुन जिस समय श्री कृष्ण के पास मदद लेने के लिए पहुंचे थे बिफोर वॉर, लड़ाई से पहले, तो अर्जुन ने एक बात कही थी, मैं घोड़ों की लगाम आपके हाथ में नहीं सौंप रहा हूं। इन घोड़ों की लगाम के साथ साथ पांडवों के जीवन की लगाम भी तेरे ही हाथ में है सांवरिया, याद राखियो। अरे ओ सांवरिया, यह बात को ध्यान रख लियो कि तेरे हाथ में अकेले इन घोड़ान की लगाम नहीं, पांडवन के जीवन की लगाम भी तेरे ही हाथ में है। तो जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बढ़ गई? तुमने तो नहीं सौंपी अभी तक ठाकुर जी के हाथों में अपने जीवन की डोर, तुम्हें तो कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि मैं ही चला रहा हूं मेरे जीवन को, मैं ही चला रहा हूं मेरे परिवार को, लगता है कि नहीं? तभी तो दुखी हो। सुखी कब होगे? ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, टेंशन हो जाता है। हम कठपुतली तेरे
दीवाने सब तेरे हो दीवाने सब तेरे हो। कौन कौन दीवाना है? बताओ जीवन है मुरलिया वाले। मेरे प्यारे हो, जो जीवन की डोर मेरे सांवरे के हाथ में सौंप देता है वो कभी हारता नहीं, वो जीत जाता है। हारते तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को कन्हैया के चरणों में सौंपा नहीं। अरे भाई देखो, धन दौलत कम कमाओ क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदार रूठ जाएं छूट जाएं क्या फर्क पड़ता है, एक जन्म के। अब कई बार जब आपको अपने काम होते तो नहीं चले जाते, दो दो तीन तीन महीने के लिए, कई लोग तो साल भर के लिए अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कहीं तुमसे कन्हैया ना छूट जाए, गोविंद ना छूट जाए, ये महत्व। तो ठाकुर जी के हाथ में जीवन की डोर सौंपी थी अर्जुन ने। ठाकुर जी ने क्या किया? अश्वत्थामा को जानते थे, ये सोता हुआ कुछ भी कर सकता है, कपटी है ये। और एक बात बताएं, कपटी लोगों से दूरी बनाए रखना। ये जो कपटी लोग होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं साहब। अब आप कहेंगे महाराज ये कपटी कौन है? बोले कपटियों के लिए कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। जब फ्रंट पे आ जाएं तो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अरे साहब अरे साहब अरे बाप। और पीठ पीछे से वो कुछ मेरा मुंह मत खुलवाओ बस। ऐसे लोगों से प्लीज मेंटेन डिस्टेंस, कुछ बना के रखे दूरियां। क्यों? ऐसे लोग कभी तुम्हारे अच्छे मित्र नहीं हो सकते, तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हो सकते। मेरे गोविंद ऐसे नहीं। मेरे गोविंद कैसे? एक बार जो तुम उनसे बोल देते, उनको सब पता है किसने क्या ड्यूटी मुझे दी है, जीवन को सौंपा है ना। ठाकुर जी ने क्या किया जानता है? सुस्तामा कपटी है। तो रात्रि में जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया, तो जिस शिविर में पांडव सोते थे वहां पांडवों के पुत्रों को सुला दिया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया और पांचों भाइयों को हटा दिया वहां से। क्या बोले? चलो जश्न करते हैं, जीत की खुशी में
पार्टी करो। तो बोले पार्टी करोगे महाराज? बोले हम पार्टी करेंगे। क्या पार्टी करेंगे? बोले चलो थोड़ा भ्रमण करेंगे रात्रि बराज, सोएंगे नहीं, यही जश्न। पांडवों की एक सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? पांडव कभी किंतु नहीं करते, जो कृष्ण ने कह दिया वो करना है। हम लोग सुखी क्यों नहीं है? हम करते भी है ना धर्म, तो किंतु परंतु कैसा ऐसा होगा, करना चाहिए ऐसा। अच्छा होगा, किंतु परंतु संशय दूर नहीं होता। रामायण में एक बहुत अच्छा उपाय मिला है कि महाराज इन संशयों से छुट्टी कैसे मिले। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, तवई होय सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। एक दो दिन नहीं, जब बहु काल। तुम्हें जब भी धर्म के विषय में कोई संशय हो, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, तो सबसे बड़ा काम एक ही करना चाहिए, अपने जीवन को सत्संग में ले जाओ। जब आप अपने जीवन को सत्संग में ले जाते हो ना मेरे प्यारे, तो आपके जीवन के जितने भी संशय हैं सब समाप्त। कितने लोग तो मेरे को कहते हैं, महाराज जी हम प्रश्न नहीं करते, उनके आंसर तो हमारे मन में जो संशय होते भागवत में अपने आप मिल जाते स्वतः ही। तो सत्संग करोगे तो सब तवई हो सब संशय भंगा, खत्म हो जाएंगे। पांडवों की एक विशेषता है, जो कृष्ण ने कह दिया वो कर दिया पांडवों ने। अब भाई कहना चाहिए 18 दिन से लड़ रहे हैं महाराज, थोड़ा सा सोने दो, नींद पूरी करने दो, 2 घंटे एक्स्ट्रा सोएंगे क्यों? बोले कल लड़ने थोड़ी जाना है। हाँ जी कि ना जी, तुम और हम क्या करते हैं? कभी कभी जब हम लेट नाइट घर पे आते हैं ना, अभी ग्वालियर से जब हम आए कथा पूरी करके, 7 तारीख को पूरी किया, तो रात को हम लोग लौटे यहाँ 8-7 की रात को आए, नियर अबाउट 1:30-2 बज गया था। तो 1:30 बजे आए तो हमने कह दिया घर में कि भाई थोड़ा लेट सो रहे हैं, थोड़ा लेट उठना हमको। अच्छा लेट उठना है? बोले बच्चों को कह देना भाई धीरे धीरे चुप जाओ, धीरे धीरे बात कर, जगे हम जग जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? बोले फिर 9 से कथा करनी। जब नींद अच्छी होगी तो ऊर्जा अच्छी मिलती है, बोलने में आनंद आता। तो हमने घर में कह दिया भाई थोड़ा सा कहना, जग जाओ तो कमरा खोलो, चुप चले जाओ, बंद कर जाओ। वैसे आप लोग भी करते होंगे, आई होप आप सभी ऐसा, जब रात को लेट सोते हो तो सुबह क्या कहते हो? डिस्टर्बेंस नहीं, नींद पूरी होनी चाहिए, ये कहना चाहिए था पांडवों को। हाँ या ना? पांडवों ने किंतु नहीं किया, बोले जो प्रभु आप कहें सो, नहीं सोएंगे सारी रात। और ठाकुर जी ने सबको अपने रथ में बैठा ला, 5ों को, और अपने साथ ले गए। क्यों? वचन दिया है तुम 5ों पर उंगली नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा, 5ों के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा, ये मेरा वचन। और साहब 100 के 100 मर गए, 5ों में से 1 की भी उंगली नहीं कटी, 1 की उंगली नहीं कटी। इतने बड़े युद्ध में एक आध हाथ पांव तो कटतो नहीं, वो तो संबंधे के संबंधे 100 के 100 मर गए, और इनमें तो काऊ की उंगली उन्हें कटी ने कहू, पोटुआ उन्हें कहू ने कहू, पोटुआ तो जाता ऊपर लो जी उन्हें कहू। क्यों? जिसकी रक्षा मेरा ठाकुर जी करे उसका बाल भी बांका नहीं होता, उसका बाल बांका नहीं होता। चाहे स्वयं सारथी बनकर 5ों को अपने रथ में बैठा ला और चल दिए मेरे ठाकुर जी, ले गए। पीछे से अश्वत्थामा ने, शिविर में अंधेरा था, प्रकाश नहीं था, उन्हें पता नहीं चला, उनको लगा कि पांडव ही सो रहे हैं, तो सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार दिया। भीम के पुत्र को भीम समझकर उसका सर काट के अपने साथ में ले गए। किस लिए? बोले दुर्योधन यकीन न करे तो उसे भीम का सर दे दूंगा। बोले ये रहा, अब दुर्योधन को सांप लगाए, ये मरेगा तभी जब खुशी एकदम, इसे खुशी और दुख दोनों एक साथ होंगे तभी मरेगा। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा कि पांडव मर गए तो बहुत खुश हुआ, मित्र आज तुमने मित्रता पूरी कर दी, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, लो मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति तो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन तुमने आज मुझे ऋणी बना लिया।
लेकिन भैया एक बात अगर बुरा मत मानना मित्र, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुमने पांचों पांडव मार दिए। क्यों? बोले थोड़ा प्रूफ चाहिए ना। अरे हम सब मर गए, इसे मारते मारते पांचों की उंगली नहीं कटा पाए हम, और तुम कह रहे हो तुमने जाके मार दिया। यकीन कर लेंगे, प्रूफ तो दे दो। बोल लीजिए प्रूफ। भीम का सर काट के लाया, सर दे दिया, ये लो। जैसे अब अंधेरा तो हो ही रहा था, अब यकीन कैसे करें? तो भीम के सर को तो वो बलिबान जानता है ना, कई बार मल्ल युद्ध कर चुका है भीम से, तो उसे पता है खोपड़ी चकाचक है। उसे लगा भीचने फोड़ने की कोशिश करने लगा। उसे क्रोध था कि तूने मेरी जंगा तोड़ी है, तूने मेरे 99 भाइयों को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस गुस्से में उसने ऐसे पुश किया अपने दोनों हैंडों को, और ऐसे दोनों हाथों से उसे पुश किया, दबाया। जरूरत ही नहीं पड़ी पूरा दबाने की, तो नेक देर में नेक करीबा ने इतने में तो ऐसे तरबूजों से फट गया। तरबूजों ना बढ़िया, नेक कोशिश करो जब ही फट जाओ। अब आए ब्रजवासी तो साहब इंग्लिश में तरबूजों के भाव बढ़ गए इंग्लिश में, तो भाव तेजू कहते क्या वॉटर मेलन। हाँ इतना ऐसा लगा वॉटर मेलन, ऐसा लगा जैसे कोई टैंकर आ रहा हो ना, वॉटर टैंकर, वैसे वॉटर मेलन। मेलन पता ना कहा भैया। अब इंग्लिश में तो बाकी भाव बढ़ गए, पर हिंदी में वो तरबूजों को तरबूज हो। ये आज तक ये तरबूजे पे मुझे एक कथा याद आ रही, ध्यान से सुनना। ये दो व्यक्ति थे, दोनों भाई थे, एक राज्य के राजा थे। एक राजा ने आक्रमण किया तो वो हार गए। हार के बोले भागे कान नहीं तो मार देगा, तो भागे जान बचा के बोले बाबा जी बन जाओ, इसी में फायदा है। बाबा जी का भेष बनाया और भागे दोनों भागे। हिमालय की पर्वतों में जाने लगे तो एक कहीं कथा सुननी, बीच में गांव में कहीं कथा हो रही थी, तो उसमें भी यही महाभारत का प्रसंग चल रहा था, और उसमें प्रसंग आया कि पांडवों ने अंतिम समय हिमालय में जाकर अपने तन को गलाकर ठाकुर जी के धाम का ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति की। अब ये कथा उन्होंने सुन ली तो उन दोनों भाइयों को लगा कि चलो हम भी भाई हिमालय में चले, लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, लोग हमारी भी गीत गाएंगे। तो सब गांव वालों से कह दिया भाई हम हिमालय में जा रहे हैं, अपने तन को बर्फ में गलाएंगे। अब हमारे भारत की जनता बड़ी भोली वाली है, झट अरे साहब माला पहना ही, ये पहना ही, वो पहले विदा नहीं हुए समझो, आज जैसे चिता पे जा रहे हो, चढ़ा चढ़ू माला वाला, तिलक विलक करके खूब आरती करी, बर्फी बर्फी खवाई, बोले ले खा जाए। अब जब हिमालय में जा रहे हो तो वहाँ कहाँ मिलेंगे तो लड्डू, नहीं खा ले, खूब खवा पिवा के विदा किया और चल दिए हिमालय की तरफ। वहाँ गए तो हिमालय में पहुँचे नहीं, उससे पहले उनको एक हमारे यहाँ कहते हैं बारी, बारी समझ गए, जहाँ में कांकरी हो तो कहाँ है, ककड़ी को कांकरी बोलते हैं हमारे ब्रज में, कांकरी और खरबूजे तरबूजे, एक को तरबूजे से बहुत प्रेम था और एक को ककड़ी से, ककड़ी ककड़ी क्या है हमारे यहाँ तो कांकरी कहते हैं, बात है तुम जाए जो ककड़ी कहते हो ना, तो वो ककड़ी से बड़ा प्रेम था। अब वो किसान से दोनों भाई कह रहे हैं भाई देखो हम जा रहे हैं वहाँ हिमालय में, अपने आप को गला देंगे, तुम एक काम करो, हमें एक ने कहा हमें तुम दो तरबूजे दे दो, एक ने कहा भाई ककड़ी छोटी होती है इसलिए 5-7 दे दो। किसान बोले तू गरे मत, तू हवाल मर जा, मैंने दूंगा तू ने कहू दो मांग रो, मैं कह दूंगा तो ने कहू नदर चिया भरू जा मरे तो हवाल मर जा, ऐसे तो जैसे बहुत आते हैं यही तिन करते हैं मरे वे, मैं सबन ने दे दूंगा तो मेरी तो है गई बारी, मैं तो कर रहा हूं रखवारी और तू जाड़ रहा मेरी बारी, वाह भाई वाह, जा भगा दिए। अब तो बड़े उदास हुए, मरने से पहले भी तरबूजो नहीं मिले वो तो दुखी भयो, एक बोले मुँह तो साहब कांकरी नहीं मिली मर गए थे पहले, अब तो बड़ा तकलीफ है गई साहब, झट जाए के बर्फ पे गिर पड़े दोनों, अब तो गरी जाएंगे, पहुंच गए हिमालय में बर्फ पे गिर पड़े। ये एक यक्ष थे उनको बड़ी दया आ गई, देखो बेचारे मूर्छित हो गए तो प्रकट हो गए, बोले कहो वरदान मांग लो, कोई वरदान मांग लो। एक बोले साहब मुँह तो दे दो तरबूजों तुम्हारी, मैं कोई अपनी तरफ से तो ही कह रहा हूं हते है कथा। एक बोलो मोह तो दे दो तरबूजो, और दूसरा बोलो
मुंह दे दो कांकरी, ककड़ी दे दो साहब जितनी दे सको। अब ठंड में ठिठुर रहे, कंठ अवरुद्ध है रहे हो, जब तक यक्ष कहें तो ए मस्त बात है, पहले प्राणांत है को दोनों को। यक्ष ने तो न्यूना कही ए मस्त, एक ए मस्त कह देते तो शायद तरबूज खावे को मिल जा, तो ककड़ी मिल जाती। ए मस्त बा ने कही नहीं, इन दोनों को है गो प्राणांत, और जब इन दोनों को प्राणांत है गो कैन यू बिलीव दिस, एक तो बने को तरबूज, एक बने को कांकरी। नेक्स्ट जन्म जब हुआ तो एक तरबूजो बने हो एक कांकरी। अब बोले ये क्या महाराज, बोले अंत मति सुगति, मरने से पूर्व की जो आपकी मनोस्थिति होती है वही आपकी कंडीशन बना देती है, नेक्स्ट बर्थ आपका वही होता है, अगला जन्म आपका वही होता है। हे मेरे भाई बहन, इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक सुंदर संदेश ये देना चाहता हूँ, जब लगे कि मेरा जीवन अंतिम पड़ाव की ओर है, अगर अपना बालक मानते हो तो अपने आत्म कल्याण के बारे में जरूर सोचना, और आत्म कल्याण इच्छाओं के दमन से होता है, इच्छाओं के पालने से नहीं। तो मेरे भाई बहन, दुर्योधन को लगा कि नहीं ये भीम का सर नहीं है, तुमने झूठ बोला हमसे, ये भीम का सर नहीं है, और उसे खुशी भी मिल गई थी और दुख भी हो गया था, इसलिए उसका प्राणांत हो गया दुर्योधन के। और जब द्रौपदी को पता चला मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया गया, तो द्रौपदी रोने लगी, अर्जुन दौड़े अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, और अश्वत्थामा को जब देखा द्रौपदी ने तो कहा मुचताम मुचताम वेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, इनको छोड़ो इनको छोड़ो इनको छोड़ो, क्यों, ये ब्राह्मण है और हमारा गुरु पुत्र भी है, इसलिए ब्राह्मण कितना भी बड़ा पाप कर दे वो दंडनीय नहीं। सम्माननीय व्यक्ति की सबसे बड़ी सजा है उसका अपमान, ब्राह्मण का सम्मान ही तो सब कुछ है, और ब्राह्मण का अगर सम्मान छीन लिया जाए तो वो मृत्यु से भी बुरा है। तो ब्राह्मण अश्वत्थामा के मस्तिष्क पे जो मणि थी, मतलब जो सम्मान की मणि थी, उसको छीन लिया गया, और यही उसकी मृत्यु भी है, मृत्यु से कम नहीं है। आज भी अश्वत्थामा कई गांव में देखा जाता है, क्योंकि वो अमर है, अश्वत्थामा मरता नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हो, कई ऐसी विभूतियां हैं, हनुमान और विभीषण भी हैं, कई ऐसी विभूतियां हैं जो आज भी हमारे इस भारतवर्ष में जीवित हैं, और हम लोगों को कईयों को अनुभव भी उसका होता है, ठीक है। तो अंत में पांडवों को राज्य दिया, और पांडवों को राज दिलाने के बाद श्री कृष्ण कुंती के पास में पहुंचे, और कुंती से कहने लगे भुआ हमसे कोई वरदान मांग लो, क्यों, क्योंकि अब हम द्वारका जा रहे हैं, और द्वारका जाने से पूर्व हम चाहते हैं कि आपको कुछ वरदान देकर जाएं। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, आप पे भी कोई काम नहीं है और मो पे भी कोई काम नहीं है, तुम भी बैठे रहे और मैं भी बैठे रहूं, यहां तो जाओगे तो वही खाए पीवे की बात करोगे, और तो कुछ यहां जाके तुम्हें कुछ करना ना, तो जल्दबाजी तो नहीं है ना, पक्की बात, चकाचक चलने दो, ठीक है। तो मेरे भैया, कुंती ने जो मांगा ये कई बार आपने सुना है, कुंती कहती है कृष्ण विवदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम हमें देना चाहते हो तो जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे जीवन में से दुख कभी न जाए, ये दे दो। बुआ अब तक दुखी तो सहे और अभी भी दुख मांग रही, बोले हां कृष्ण अभी भी दुख चाहिए, क्यों, बोले हे गोविंद मैं भूली नहीं हूं,
कि मेरे पांचों पुत्रों को मेरे साथ लाक्षाग्रह में जलाने की कोशिश जब दुर्योधन इत्यादि ने की तो उस समय बचाने वाले तुम ही थे। मेरी पुत्र वधु की लाज भरी सभा में उतारने की कोशिश जब कौरवों ने की तो मेरी वधु की लाज बचाने वाले भी आप थे। पग पग पे महाभारत जैसे विकराल युद्ध में मेरे पांचों पुत्रों को सुरक्षित रखने वाले आप ही हो। कृष्ण एक बात कहे, दुख में तुम्हारी याद बहुत अच्छी रहती है, बहुत याद बनी रहती है तुम्हारी। सुख में जब जीव सुखी होता है ना तो तुरंत आपको भूल जाने की कोशिश करता है। सुख में सबसे बड़ा भ्रम होता है जीव का कि वो तुरंत आपको भूलने की कोशिश करता है। आप याद रखिए मेरे भाई बहन, जब सुखी होते हो तो आप शान मारते रहते हो, डींगे हांकते रहते हो, अपने नाम की पार्टियां पार्टियां करते रहते हो। जितने भी इस देश में पार्टी करने वाले लोग अगर ईमानदारी से भंडारा करने लग जाएं तो मैं कहता हूं वो अपना लोक भी सुधार ले और परलोक भी सुधार। पार्टियों में खाने वाले लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे लेकिन भंडारों में भोजन करने वाले लोग तुम्हें इतनी दुआएं दे देंगे कि तुम्हें इतनी दुआएं संभाल भी नहीं सकोगे। यहां पर भी जो लोग भंडारे की सेवा कर रहे हैं, भगवान आपको भंडारे फुल रखे, भरपूर रखे, इतना कि जब जब इस यज्ञ में हम लोग यहां यज्ञ कराते रहें आप दानी ऐसे ही आगे खड़े रहें और ये भंडारे होते रहें यहां पर। और हां एक और बात बता दूं, अभिमान मत करना, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कसम। गलती से भी मत सोच लेना कि मेरा है, ये उसका है जिसने तुम्हें दिया है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला कोई बांधे जात जंजीर, कबीरा बांधे जात गए शरीर आशा तृष्णा नारी कह रहे दास कबीर, कबीरा कह रहे दास कबीर। कबीरा मन तो एक है चाहे जान लगा, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए कबीरा, चाहे पाप कमाए। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख का एको, हम क्या करते जिंदगी से जब सुख चले जाते हैं तो उसे याद करते हैं, हे गोविंद मदद कर दो। अगर सुख में ही हम उन्हें याद करें तो निश्चित तौर पर हमने दुखों के लिए दरवाजा बंद कर दिया, कह दिया कि दुख यहां पर आ नहीं सकते। क्यों? हमने सुखों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि यहां दुख आने पर कोई परवाह करने वाला नहीं, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, धर्म को जानने वाले लोग भी कहते हैं महाराज हमने बहुत धर्म कर लिया, बस हो गया, हम लोग साल में इतना ही करते हैं, फिक्स है क्या? ए बाबू फिक्स है क्या? पैसा फिक्स किया है कि मैं साल में मैं सिर्फ 2 लाख ही कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, 20 लाख कमाऊंगा, फिक्स है? जवाब दीजिए। चलो 5 करोड़ साल का फिक्स, उसके आगे तो नहीं मांगेगा महाराज, थोड़ा खर्चा बढ़ गया। जब कमाई में कुछ फिक्स नहीं है तो धर्म में फिक्स क्यों करता है? एक बात बताएं, हम लोग छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी नहीं हैं, बहुत छोटे।
क्यों? बोले हम छोटा व्यापार करते हैं, बड़ा व्यापार नहीं करते। बड़ा व्यापार क्या है कि यहाँ पर थोड़ा देकर वहां बड़े का प्रॉफिट करवा लेना ही बड़ा व्यापारी का काम है। सक्सेसफुल व्यापारी कौन है? वो इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो कम दे ज्यादा कमाए। और ये सिर्फ धर्म में हो सकता है। तुम 10 देते हो, परमात्मा 1000 के लिए तुम्हें प्रॉफिट का अधिकारी बना देता है। ऐसा बिजनेस करिए और ठाकुर भी प्रसन्न होता है। अच्छे समय में अच्छा काम ज्यादा से ज्यादा करो, कोई लिमिट नहीं होना चाहिए उसकी। जिस लायक बनाया उससे ज्यादा काम कर दो। अगर 100 रुपए लायक बनाए तो 101 करो। ठाकुर जी को भी तो लगे अचरज हो, अरे भाई हमने तो बनाओ ना जी करे कहते रहो। ठाकुर जी भी तो सोचे ना कभी कभी। और ठाकुर जी ने तुम्हें 10-20 करोड़ दे दिए, उसमें से तुम 2-4 लाख भी लगा दो तो ठाकुर जी कहेंगे कंजूस सेठरा कहीं का। क्यों? 10-5 लाख लगा दिए, बोले दिए भी तो 10-20 करोड़ है मैंने, उसमें से तो 10-5 लाख लगा दिए। ठाकुर को भी सोचने पर विवश कर दो। और ये तब है जब अपनी कंडीशन से बाहर जाकर धर्म कर बैठते हो तो मेरा ठाकुर तुम्हारे बारे में सोचता है। कुंती कहती है दुख दे दो सुख नहीं चाहिए। क्यों? दुख में तेरी याद रहती है, सुख में लोग तुम्हें भूल जाते हैं। कुंती से कृष्ण कहते हैं भुआ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम दुख में हमें सुख में हमें नहीं भूलोगी। ये हमारा आशीर्वाद है, वचन। और कृष्ण जाने लगे, सामने से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और उत्तरा ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो मेरे गर्भ में जो पलने वाला शिशु है उसे कोई मार रहा है। भगवान गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा करते हैं। हे भाई बहन, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे ठाकुर कितने दयालु हैं। जब प्रकट होते हैं तो मां के गर्भ में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? गर्भ में, मां के गर्भ में मलमूत्र होता है, एक नरक है वहां। भगवान थोड़ी जाएंगे नरक में, हम और आप उसी नरक से आए हैं। और अच्छे कर्म नहीं किए तो उसी नरक में जाने की पुनः तैयारी है, याद रखना, उसी नरक में जाने की पुनः तैयारी है। तो क्या करें? मैं निवेदन करूंगा माता बहनों से, अभी 10 मिनट और बैठना आपको, कोई भी खड़ी ना हो, घट जाएगी कौन सी तू मऊ जाके दुखी करे बहू है। सांझी तुम्हारी जितनी सास यहां बैठी है ना उनकी बहू कोई ना चाहते कि तू घर में लौटा। वो सब एक ही प्रार्थना कर रहे, भगवान करे कथा खूब लंबी चले। हैं जी, हाँ निवेदन है, 10 मिनट और बैठेंगे। और इसमें कलयुग का वर्णन मैं कर रहा हूं क्योंकि आज का कथाक्रम वहां तक जाएगा ही जाएगा। कुंती को कृष्ण ने कहा तुम्हें मेरा सुख में भी कभी विस्मरण नहीं होगा। और उस परीक्षित की रक्षा के लिए श्री कृष्ण उत्तरा के घर में पहुंच गए। जहां स्वयं अवतरित होना हो तब भी नहीं जाते हैं, स्वयं को अवतरित होना हो तब भी नहीं जाते हैं, लेकिन जब देखा कि भक्त पे संकट है तो मां के गर्भ में पहुंच गए। तुम कौन कौन से शहर में रहते हो, तुम अपने अपने शहर का नाम ले लेना मन ही मन। मेरी बात सुन लो, जो ठाकुर जी परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जा सकते हैं, वो तेरी रक्षा करने के लिए तेरे शहर मेरे प्लस वृंदावन में नहीं आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते? आ सकता है, आता ही है, आता ही है। उसकी कृपा तुम पर ना होती तो तुम यहां ना बैठे होते। इसका मतलब है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया तुम्हें, I am ready to meet you, but you will try to meet me. Right? Right, na?
यू विल ट्राई टू मीट मी, अरे तुम भी तो कोशिश करो ना, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, बट ट्राई टू मेरे प्यारे, तुम भी तो कुछ कर लो कि तुम बैठे बैठे बस राधे गोविंद लिया रे, राधे गोविंद पुआ बने कि ना बने, कहू बूढ़े मर तो जान जब ही तो खावे पुआ, हमारे ब्रज में तभी पुआ होते जब कोई बूढ़ा मर जाए तो का है। हमारे गांव में कचू देना पहली वह, मुझे बड़ा शौक है ऐसा पुआ खाने का, तुम्हारी पर मो पुआ वही अच्छे लगते मरे भाई भाई पुआ, ये जो वैसे फंक्शनों में जो पुआ बन तुम्हारी सौगंध में नहीं खाऊं। एक हमारे यहां सारथी था पहले, वो तो कहीं और चला रहा है कुछ, उसने ज्यादा तेज गाड़ी चला दी इसलिए चला गया यहाँ से, बहुत तेज गाड़ी चला दी उसने बिफोर चला गया, तो हवा के सारथी गांव में मर गो कोई, तो बाप पतो ही, अच्छा हमने बाप बताई तो नहीं, बाप पतो ही कि महाराज जी मरे बहन के पुआ बड़े अच्छे लगते, अजाब हम हैं ही ऐसे ब्रजवासी आदमी, जो चीज पसंद है माखन मिश्री, ठाकुर जी कहो करे माखन मिश्री, नाम वो भाव है ओ छप्पन भोग, नाम वो भाव है माखन मिश्री को बड़ो कवै, वो छप्पन भोग नहीं माखन मिश्री दे दो, वैसे ही हमें भैया हमें कहो कि कचौड़ी नहीं चाहिए बिल्कुल तुम खाओ, लड्डू नहीं चाहिए तुम खाओ, पुआ है वो तो दो तीन दिन पुराने भी पुआ जो है गरम करके मिर्च के संग क्या साथ, ऐसे समझो जैसे है? अब जिन जिन के घरन में कोई बड़ो बूढ़ो वो सब ये कहेंगे बोले महाराज जी का आज पुआ जरूर पहुंचाने, ऐसा मत करना भाई तुम्हारे जोर हुआ, ऐसा विषय नहीं है मेरा, उन पुआन के चक्कर में मोटा है गो नहीं, लेकिन ठीक है होता है कोई कोई चीज अच्छी लगती है। तो मेरे भाई बहन तुम्हारी रक्षा के लिए क्या वो हमारे और आपके बीच में नहीं आएगा, आएगा लेकिन विश्वास पक्का हो मजबूत हो, मैं यकीन के साथ कहता हूं जो लोग बाहर से वृंदावन में कथा सुनने आए हैं अगर ईमानदारी से तुमने उन्हीं नियमों का पालन किया जो मैंने कहा है तुम इन 7 दिनों में ये फील करोगे कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ है। ये ब्रजवासी ब्राह्मण आपको वचन देता है लेकिन नियम का पालन होना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, अगर इधर उधर की बात करोगे तो आई एम सॉरी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ठाकुर जी यहां हैं, तुम्हें दिख रहा है अनुभव होगा, अगर इधर उधर की बात करोगे तो आई एम सॉरी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ठाकुर जी यहां हैं, तुम्हें दिख रहा है अनुभव होगा, क्यों इस ब्रज की भूमि में कण कण में मैंने पहले ही दिन कथा में प्रेम का किला ऐसे ही नहीं कहा है, यकीनन ये है, यहां की कण कण से वो गंध आती है, वो एहसास वो महसूस होता है, लेकिन नियम के साथ ऐसे नहीं कि सब सहा बन के रहोगे तो कुछ नहीं मिलना, निसहाय बन के रहोगे तो बहुत कुछ मिलना है, धनवान बन के रहोगे तो कुछ नहीं मिलना, निर्बल बन के रहोगे तो तुम्हें सांवरिया मिलेगा निश्चित तौर पे। तो मेरे भाई बहन गर्भ में पहुंच गए शिशु की रक्षा की और उस बच्चे का नाम परीक्षित हुआ, कुछ समय बाद श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए, पांडव भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए, जब कृष्ण नहीं तो हम जीकर क्या करें, कुंती के प्राण उसी समय निकल गए, प्रसंग बड़ा है लेकिन क्योंकि हमें प्रसंग वहां तक लेके चलना है इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। परीक्षित जी महाराज एक दिन कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक काला व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर तत्र गो मिथुनम राजा अन्य मानव नाथवत दंड हस्तम च वृषलम ददृश्य नृपलांछनम, हाथ में शस्त्र लेकर वो गाय को और बैल को ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है। परीक्षित ने रथ रुकवाया और दौड़कर पहुंचे तो परीक्षित को आया हुआ देखकर वहां से वो कलयुग भागा।
गाय के हाथ जोड़े, बैल के हाथ जोड़े और पूछा, प्रभु ये कौन है जो आपको मार रहा है, दंडित कर रहा है, मुझे आप आज्ञा करिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। गाय और बैल बोले, बैल बोले, महाराज मैं धर्म हूं और मुझे जो मार रहा है ये कलयुग है। ये कलयुग क्यों मार रहा है? सतयुग में धर्म के चार चरण हैं, तप शौच पवित्रता, तप दया दान और शौच, ये चार चरण हैं कलयुग, कलयुग धर्म के। सतयुग में, त्रेता युग में तीन हैं, द्वापर युग में दो हैं और कलयुग में एक। एक चरण क्या बचा है कलयुग में, जोर से बोलिए, कलयुग में एक चरण कौन सा बचा है धर्म का? दान। और दान करने के लिए किसी से कह दें तो लोग निंदा करते हैं। अब धर्म की बढ़ोतरी किससे होती है? दान से होती है। अब कोई ये जजमान, मुख्य जजमान, सह जजमान, ये जजमान, वो जजमान, आप लोग सब इतने बड़े जजमान बनकर यहां आए, अगर न बने तो ये अष्टोत्तर भागवत कथा कैसे होगी? अकेले महाराज तो नहीं कर सकते ना, ये पंडाल, ये आस्था चैनल, ये सब, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? जब आप दान देते हैं उससे ये होता है। और दान देने का मतलब ये नहीं है कि तुमने दे दिया, वो दिया नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट माय डियर, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अगर तुम लोग यकीनन नहीं दोगे तो तुम्हें यकीनन मिलेगा भी नहीं। अब आप कहेंगे हमारे पास तो है कब का, पिछले टाइम में आप दे के आए हो उसका है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप बैंक में कोई चीज जमा कर दो और दोबारा उसमें जमा करने न जाओ और निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो क्या होगा? खाता क्लोज, राइट? चालू खाता किसको कहते हैं? निकालो जमा, निकालो जमा, निकालो जमा, जब आ जाए जमा कर दो, जरूरत हो तो निकाल लो। धर्म के विषय में चालू खाता रखो हर दिन अपने हाथ से। तुम लोग बहुत प्रेम करते हो ना मुझे, ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते हो ना, कौन कौन प्रेम करता है नीचे करो आप। ये तुम्हारी कंजूसी की वजह से अटका पड़ा हूं मैं अभी तक। ईमानदारी से तुम ये प्लानिंग कर लो कि नहीं, जब तक भगवान का ये मंदिर नहीं बन जाएगा हम चैन की रोटी नहीं खाएंगे। हालांकि मैं तो खा ही नहीं रहा हूं चैन की रोटी तब से, जब तक ये बन नहीं जाएगा। सिर्फ 100 रुपए पर डे निकालो इस मंदिर के निर्माण के लिए। जितने लोग बैठे मैं उनसे कह रहा हूं, आस्था पे सुन रहे हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, 100 नहीं निकाल सकते, 1 रुपया तो पर डे निकाल सकते हो, इस लायक भी नहीं हो। अरे साहब मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब से मंदिर बन रहा है ना उन्होंने मेरे इस आश्रम की चौखट पे आना ही बंद कर दिया। क्यों? बोले जाएंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनको क्या लगता है या मुझे क्या लगता है मैं बना रहा हूं? मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठाकुर का मंदिर कोई मूर्ख नहीं बनवा सकता, कोई इंसान नहीं बनवा सकता, ठाकुर का मंदिर स्वयं ठाकुर ही बनवा सकता है मेरे भाई बहन। मुझे क्या जरूरत है इतना बड़ा मंदिर बनवाने की, इतना बड़ा संकल्प लेने की, इतना बड़ा विचार लेने की। ये भी उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, मुझे इनका मंदिर बनवाने से पहले तो पहले अपना घर बनवाना चाहिए था। यकीन नहीं है? चलो मेरे घर चल के देखना, दिखा दूंगा कहां रहता हूं। क्यों? मुझे मेरा घर नहीं, मुझे तेरा घर चाहिए प्यारे, मुझे तेरा घर चाहिए। दान दिए धन ना घटे, देने से घटता नहीं है, इसलिए कलयुग में एक ही चरण है। क्या है? दोगे तो मिलेगा, देना सीखो, मांगना मत सीखो, मांगो मत दो। अभी गांव में कल जो शिविर लगा उसकी डिटेल मुझे मिली, ऐसे ऐसे लोग दुआएं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग दुआएं दे रहे हैं। क्यों?
मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे धन दिया, उसमें से कुछ परसेंट मंदिर में न लगाकर जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगा दिया। मुंबई से डॉक्टर आकर इलाज कर रहे हैं, और आज भी जिस वक्त में आया था लाइन लगी पड़ी थी, कितनी लंबी। अरे भाई मुझे ये सब कर भी का जरूरत है, अगर 2-4 लाख रुपया भी लगा दूं तो क्यों लगाऊं, उतने में 2-4 फीट पत्थर नहीं लग जाएगा। लेकिन नहीं, वो भी होगा, ये भी होगा, सब होगा। इच्छा बलवती होनी चाहिए, इच्छा में समर्पण होना चाहिए। बेटे की शादी में खर्च हो ही जाता है, बिजनेस ओपन हो ही जाता है, घर अपना बन ही जाता है, मोबाइल में चार्जिंग आ ही जाती है। कब? जब मैं चाहता हूं तब। आप चाह लो, कौन कौन चाहता है मंदिर बने जल्दी? तो बन गया, अप्रैल में तो स्ट्रक्चर सब खड़ा हो जाएगा, ठाकुर जी कृपा करें। जैसे ये सपना अभी पूरा नहीं हुआ, ये सपना अभी अधूरा है, ये भी जहां हम लोग बैठे हैं पूरा नहीं हुआ है, इसके ऊपर अभी काम कराना। आप कहो तो इसे फिक्स करवा दें ऐसे ही, अभी बहुत कुछ बाकी, इसमें भी बाकी है, उधर भी काम हो जाए। भगवान ने चाहा अगली बार जब तक हम और आप मिलेंगे इस प्लेस में, बहुत कुछ अच्छा, बहुत सुंदर। लेकिन आपका सपोर्ट के बिना असंभव है, आपके सपोर्ट के बगैर असंभव है। आप प्यार करते रहिए अपने मिशन को, हमारी भावनाओं का सम्मान आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो दान एक चरण धर्म का बचा है, और यह भी समाप्त होता जा रहा है कलयुग में। गाय से पूछे आप कौन है, बोले मैं पृथ्वी हूं गाय के रूप में। आप क्यों दुखी हैं, बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। आप क्यों दुखी हैं, बोले महाराज कलयुग में जीव हत्याएं बहुत होती है, विशेष तौर पर बाल हत्याएं बहुत होती है। यहां पर माता बहनों से एक निवेदन करूंगा, भ्रूण हत्या, दिस इज बिगेस्ट सिन, ये सबसे बड़ा पाप है। कौन सा? भ्रूण हत्या। अरे भाई तुम किसी को जन्म देने से पहले कैसे मार सकते हो? और माफ करना, इसमें माता बहन भी इन्वॉल्व है, सिर्फ भाई इन्वॉल्व नहीं, माताएं भी इन्वॉल्व है। और माताओं को तो दयालु कहा जाता है, फिर एक दयालु माँ किसी को जन्म लेने से पहले कैसे मार सकती है? नहीं नहीं नहीं, प्लीज जो आ रहा है उसे आने दो, उसकी भी अपनी एक किस्मत है। अगर बेटियां नहीं होंगी इस देश में तो बेटे पैदा करने वाला फिर क्या ईंट पत्थर चाहिए हमें? पेड़ पौधों से बेटे पैदा होंगे? बेटों से ज्यादा जरूरी है बेटियां, बेटों से ज्यादा जरूरी है बेटियां। हे मेरे भाई बहन, बेटा तो फिर भी मरने के बाद तेरी चिता में सिर्फ आग लगाता है, लेकिन तेरी चिता की आग ठंडी ना हो, और हो भी जाए साल दर साल तेरी बेटियां तेरी याद में आंसुआ बहाती हैं, आंसू बहाती हैं। बेटे आंसू नहीं बहाते, बेटे तो चौथे दिन काम पे चले जाते हैं, चौथे दिन काम पे चले जाते हैं, लेकिन बेटियां काम पे नहीं जाती हैं। बेटियां रोती है, मैं पापा किसको कहूंगी, मेरी उंगली कौन पकड़ेगा? ये बेटा कभी फील नहीं कर सकता। अगर बेटियां नहीं हुई इस देश में, बेटा नहीं होंगे। हे मेरे भाई बहन, ये देश बेटों की वजह से नहीं, बेटियों की वजह से जिंदा है। इस देश में आज भी न जाने कितने बेटे हैं जो लूटने पे लगे इस देश को। कोई दौलत के नाम पे लूट रहा है, कोई शौहरत के नाम पे लूट रहा है, कोई बेटियों की इज्जत को लूट रहा है। बेटे सिर्फ लूटते हैं, और बेटियां अपना पूरा जीवन लुटा देती हैं इस देश के नाम पर, पूरा जीवन लुटा देती है। इसलिए हे माताओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं,
किसी को जन्म से पहले मत मरने दो, किसी को। इस धरती पे सबसे बड़ा बोझ जानते हो क्या है? धरती माँ का भ्रूण हत्या सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ा। आइए एक एक स्वर गुनगुनाएंगे, मेरे राम करना तू सबका भला, जहां में किसी का होवे ना बुरा। बहुत सिर्फ एक पंक्ति गुनगुनाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम को पूरा करें, कथा को पूरी करेंगे। लेकिन दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके ये प्रार्थना करें, मेरे राम करना तू सबका भला, मेरे राम कलयुग को ही मार देता हूं, ना कलयुग होगा ना समस्या रहेगी। कलयुग ने कहा आप मुझे मार दीजिए, लेकिन एक बात बता दे महाराज, हमको मारने से पूर्व यह समझ लीजिए कि कलयुग में ईश्वर प्राप्ति बहुत आसानी से की जा सकती है। हरिर्नाम अव केवलम कलो नास्तव गति रण्यता। तो परीक्षित ने इस लोभ में कि कलयुग के लोग अपना कल्याण कलयुग में बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसलिए कलयुग को मारा नहीं, कलयुग को रहने के लिए कुछ जगह दे दी। कौन सी जगह दी? मदिरालय में रहो, वैश्यालय में रहो, द्यूत कीड़ा जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, और जहां हिंसा होती है वहां रहो। चार जगह पर कलयुग को परीक्षित ने स्थान दिया। एक जगह कलयुग ने स्वयं मांग ली कि आप मुझे मेरी इच्छा से दे दो। कौन सी? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दो। आजकल लोग कहते हैं बड़े बड़े घरों में जब तक थोड़ा एक दो पैक लगा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कलयुग है उनके घर में। जिसके घर में ठाकुर जी की पूजा हो, तुलसी की वंदना हो, माथे पे तिलक, गले में कंठी हो, हाथ में कलावा, मुख में राम नाम हो, कर्म में किसी की बुराई न हो, कर्म किसी के निंदक न बने, तो यकीन मानना तेरे घर में कलयुग नहीं है। जो अपने श्रवणों से श्रीमद् भागवत कथा सदा सुने, श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, जो भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं सुनता है उसके जीवन में कभी कलयुग नहीं है, कभी कलयुग नहीं। तो मेरे भाई बहन आप इसे अपने जीवन में बना के रखें। कलयुग
राजा के सर पे बैठ गए, क्योंकि मुकुट जो था वो सोने का था। राजा से एक अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? समीक ऋषि जो समाधि में बैठे थे उनसे राजा ने जल मांगा। जल समीक ऋषि को पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया, समाधि में थे वो तो समाधिस्थ थे, तो जब समाधिस्थ थे तो पता नहीं चला। तो राजा को लगा कि ऋषि जानबूझ के मेरी अवहेलना कर रहे हैं, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। याद रखना कलयुग में ना समझी में भी हम अपराध कर बैठते हैं। राजा को समझ में नहीं आई कि ये तो समाधि में, उन्हें लगा जानबूझ के अवहेलना हो रही, तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। जिससे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर साप दिया, इतलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे सातवें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु। राजा गंगा के तट पर आ गए बिना एक सेकंड गमाए, क्यों? मृत्यु तो सात ही दिन में है। हे मेरे प्यारे, राजा इतना बड़ा राज्य था, उसे छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगा। आपको और हमारे पास तो इतना बड़ा राज्य नहीं है। काऊ पे तो दो कमरानों को फ्लैट है, काऊ पे एक कमरा को फ्लैट है, काऊ पे फोर बेडरूम सेट है, काऊ पे 100 गज को घर है, काऊ पे 200 गज को घर है। और भाई कोई बहुत ही पैसा वारो गयो तो 5000 गज को घर वारो, तो मो यहाँ कोई दिख रो ना जा पे 5000 गज जमीन हो जो जहाँ बैठे हो, वो यहाँ का ही बैठे हो, वो तो होटल में बैठे हो जाए। और अगर हो तो कौन सी बड़ी बात है, राजा का तो पूरे भारत में साम्राज्य था और एक सेकंड नहीं की राज्य को छोड़ने में, और तुरंत गंगा के तट पर पहुंचे ये जानने के लिए जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो वो जीव क्या करे। हे मेरे भाई बहन, हमारी और तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है, और इन 7 दिनों में अगर आप और हम दिल से प्रयास करें तो मैं ईमानदारी से कहता हूं हमारी मृत्यु सुंदर हो सकती है, पवित्र हो सकती है, और ठाकुर जी से मिलना भी पक्का हो सकता है। मैं सेटिंग करा सकता हूं तुम्हारी मीटिंग मेरे ठाकुर जी के साथ, डू यू वॉन्ट? चाहते हो? अरे यहां पर बहुत दूर से, मैं कल सबके नाम बता रहा था, बोले दिल्ली से आए, मुंबई से आए, अमेरिका से आए हैं, ये वो आए हैं, सब बता रहा था। तो एक बाबूजी बोले मेरे से, बोले हमारा जम बहुत, आपने नेपाल का नाम नहीं लिया, हम नेपाल से आए, तो अब बोल रहा हूँ वो नेपाल से भी यहाँ आए कथा सुनने के लिए। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। तो आप सब से मैं एक प्रार्थना करता हूँ, चाहिए ना मीटिंग सेटिंग करनी है आपकी कि नहीं चाहिए? तो जैसा बोलता जाऊं वैसा करते चले जाओ, बचे हुए 6 दिन और निश्चित तौर पर तुम्हारी मीटिंग फिक्स होगी मेरे कन्हैया के साथ। हे मेरे प्यारे, ये वृंदावन प्रेम का किला इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आने वाले साधक अपने हृदय में कुछ पाने की इच्छा नहीं लेके आते, यहाँ आने वाले साधक सिर्फ ठाकुर जी से प्रीति करने की एक इच्छा लेकर आते हैं। यहाँ चाहते हैं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। क्या चाहते हैं? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठो रहूं कुंजन के कोने, बैठो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, व्यास दास कहे कहा वखानू, बिमल बिमल यस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अगर बीच में कहीं थोड़ी सी लास्ट कड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो सेट कर लेना अपने आप। मैंने जो कर दी कि बिमल बिमल ये सिखाऊं, ये तो पक्का कंफर्म है। कहां बैठे रहूं? महल में तो नहीं, डिमांड बैंक अकाउंट बढ़ाने की नहीं, डिमांड क्या है? तेरे चरणन की रज पाऊं। इस किले में रहने के अधिकारी कौन है? वृंदावन प्रेम को किलो है, प्रेम के किले में रहवे को अधिकारी कौन है? जो नए नए वस्त्र पहनने की इच्छा न रखे, जो बहुत बड़ा सुंदर भोजन करने की इच्छा न रखे, तो बोले चरणन की रज पाऊं, ये इच्छा होनी चाहिए।
और एक बात बता दूं, इन कपड़ों से, इन डायमंड से, इन बैंक बैलेंस से सबसे ज्यादा अनमोल है किशोरी जी के चरणों की रज। बैठो कहां रहूं? बोले कुंजन के कोने लता पतन की नीचे बैठ गए। का करूं? बोले श्याम राधिका गाऊं, सिर्फ आप ही का नाम गाऊं और कुछ नहीं। दुनिया की याद ना हो, दुनिया की भ्रम, मुझे दुनिया भूल जाए, मैं दुनिया को भूल जाऊं। हे मेरे प्यारे हो, आप इस वृंदावन के प्रेम के किले में आपका स्वागत है, लेकिन साधक पक्के रहना। अगर साधना कमजोर पड़ गई तो तुम्हें इस किले में दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा, याद रखना। अभी तो प्रवेश मिल गया है, तुम्हारी सेटिंग करा दी। जब तुमने टेलीफोन किया था ना, हमें भी जजमान बनना है, उस समय ठाकुर जी से तुम्हारी सेटिंग करवा दी। अरे ये व्यक्ति आए, इनकी भी सेटिंग। ठाकुर जी ने कई बार गलत कहा, भाई तुम गलत कर रहे हो, मैंने ठाकुर जी से, अपना ही बंदा है। हो गई आपकी सेटिंग, आ गए हो किले में प्रवेश। देखो भाई, किले में प्रवेश कब मिलेगा? या तो उपयुक्त हो या अंदर का रहने वाला व्यक्ति तुम्हारा जानकार हो। अंदर घुसते को पूछे किससे मिलना है, कह तो सको है एक बंदा, शांति सेवा धाम है, अपना ही है। द्वार के द्वारपाल आपका रास्ता खोल देंगे, क्योंकि आपके पास में एड्रेस मौजूद है ना, रसीद है, इतना जमा करा दिया, भेज देंगे, जाओ जमा करा के। फोकट में नहीं आए, फोकट आओ आ जाओ, तो ठाकुर जी बुला लेते। तो हमारे तुम्हारी सेटिंग तो करा दी, पर यहां नियम से रहना। हर एक कंट्री का रूल अपना अलग अलग है, और इस प्रेम के किले का एक ही रूल है, जैसा मिले खा लो, जहां मिले सो जाओ, और ज्यादा से ज्यादा हरि की कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा हरि के गीत गाओ। देखो आजकल कथा 6:15 बजे तक ही होती है, सिर्फ जब तक लाइव होता है, और अब देखना घड़ी क्यों? मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत क्या है? मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय मेरे ठाकुर जी की कथा में लगे। तो इस प्रेम के किले में मोक्ष प्राप्ति चाहिए या भक्ति चाहिए, ये वो तुम डिसाइड करो, लेकिन ये 7 दिन में जो आपको चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं कि तुम्हें वो मिलेगा, आपको ठाकुर जी देगा, ये कन्फर्म। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम यहां पूरा करेंगे। होली के बिना सत्र पूरा नहीं होगा, ये तो होली है ना। अब आज चकाचक होली होगी, लेकिन उससे पहले हमारे शर्मा जी को संदेश दे रहे हैं, वो सुन ले, कोई खड़ा ना हो, उसके बाद ये भजन करेंगे, और भजन के बाद आरती। मेरा निवेदन है स्वीकार करें, कोई खड़ा ना हो, यही निवेदन किए हैं हम। और आपके बगल में अगर कोई खड़ा हो तो कुछ ले लीजिए अपने हाथ में, राधे राधे बोलना पड़ेगा पूरी। तो कौन कौन होली? कन्हैया की होली, कौन कौन होली? आइए मस्ती में होली। एक सखी नाई कर रही है ठाकुर जी ते, है मुंह पे रंग मत डारो, बोलना मैं तो पे ही डारूंगा, ठाकुर जी तो बड़े रंग वही पे डालते हैं जो नाई कर दोगा। आइए मस्ती में सब झूमे, जाए
ज्यादा गोरे हो क्या है तुम जैसे? तो गोरे मैंने कहूँ ना देखे भाई दुनिया में। सब खड़े हो जाए मस्ती में। जाने जाने सब सखिया प्रीत मोरी ओ मन बसिया जानो हम जाने जाने सब सखिया सखिया प्रीत मोरी ओ मन बसिया मन बसिया। आओ तरस पिछे खाली नवारो आरती।
श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221 0735111333 0735111444 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें